वेदांत नारायण सिंह महाराज जय दुख हो जय दुख नारायण नमस्कृत नरोत्तम मनुस्मरण सरस्वती ततो वैशन रूप शास्त्र मुदीर नरोत्तम सन्यासी वैशाभिन्न सरस्वती श्रीमन नारायण गुरुस्वामी महाराज को नमस्कार करूँ। ओम स्मरण करते श्री रूप गोस्वामी के जयप्रद शास्त्र अनुचिलन करे नाराद मतमो सम नरमाराधिकाक्षम नाताच नुभवल्लोके नाशद्धं रूपो कल्पवान माधव के समान आराध्य कोई नहीं है, राधिका के समान रमा नहीं थी, रूप पद के समान रसाचर्य यो संसार में कोई नहीं है। तथा रूप पद का कात्म के समान कापोद नहीं होता। नवदन्नो बिना गौरम नास्तपं प्रजंगिनम रूपं बिना न सहितम न जीवातु रसं बिना गौरवी बिना वदन्नो नहीं है, व्रत के बिना वास्तव नहीं है, रूप शास्त्र के समान साहित्य नहीं है तथा रस के बिना जीवातु अवर गंभीर होता। इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण इस प्रकार लेना चाहिए, रूप एव गुरु नित्यम रूप एव गतिमम रूप एव सुखाधार रूप एव रसाकरम दयति दयति रूपम भक्ति साहित्य भूपम प्रशमित भवतापम खंडिता तत्तलापम प्रकटित रस सिंधु राग मद्वैक बंधु प्रचलित गुरु कृतम आश्रय कंच नित्यम भक्ति साहित्य के सम्राट संसार पाप निवारण करने वाले अपवाद खंडन करने वाले भक्ति रसामृत सिंधु को प्रकट करने वाले राग मार्ग के प्रदर्शक बंधु प्रवारो सर्व प्रभाव से गुरु कृत प्रायण श्री रूप गोस्वामी पाद पर मुस्कर्ष के सही जय दुख हो गया जय दुख हो गया जय हो श्री रूप गोस्वामी पाद जय हो श्री नारायण गोस्वामी पाद जय हो देवा महोत्सव जय हो स्वागत बृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के वक्ताओं का नाम आप लोगों को सूचित कर देता हूँ। भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज सभापति महोदय जैसे आप अनाउंस कर चुके हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री भक्ति किंकर श्रीधर महाराज, वक्ताओं में श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, श्री प्रियानंद भट्ट महाराज, श्री भक्ति वेदांत मुनि महाराज, श्री भक्ति वेदांत नरसिंह महाराज, श्री भक्ति वेदांत बधायन महाराज, श्री भक्ति वेदांत परमहंस महाराज, श्री रामचंद्र दास, श्री परमेश्वरी दास, उत्तम कृष्ण दास, विजय कृष्ण दास। मैं सबसे पहले श्री भक्ति वेदांत मुनि महाराज से अनुरोध करता हूँ, सभा का पहले वक्ता श्री भक्ति वेदांत मुनि महाराज। हम लोग का आरती 7:30 होगा, इसलिए समस्त वक्ताओं से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ 15 मिनट के अंदर आपके वंदना समेत समाप्त करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब तो बनने का सुजोग मिलेगा। सामने घड़ी रखा हुआ है, टाइम के लिए आपका कोई असुविधा नहीं हो। आज मुझे एक मठवासी प्रश्न पूछा था कि रूप गोस्वामी प्रभु के रूप में संबोधन कर सकते हैं क्या? श्रीमद नित्यानंद प्रभु को अद्वैत प्रभु कहा गया, बोले क्यों नहीं, नवरत्न सरानंद श्रीनिवास प्रभु कहा गया, तो रूप गोस्वामी को ही लिखा। सनातन गोस्वामी के लिए दास गोस्वामी लिख रहे हैं,
सनातनस्तम प्रभु मास्यामी वैराग्य जी श्लोक में जब सनातन को प्रभु कह सकते हैं, उनकी जो रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी को गुरुदेव रूप में मानते हैं और उनके अग्रज हैं, उनको क्यों नहीं कह सकते? इसलिए रूप गोस्वामी को प्रभु कहने पर कोई शास्त्र सिद्धांत विरुद्ध नहीं है। अब श्री भक्तिनाथ मुनि महाराज शुरू करें और पुत्रदास बाबा जी आज के वक्ता हैं। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण वांछकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृष्णे श्री चैतन्य मनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय ददति सप्रदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमारंभ गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर स्तर श्री श्रीमद्भक्तिवृन्द नारायण कृष्ण महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर स्तर श्री श्रीमद्भक्तिवृन्द गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामीपाद के पाद पद्म में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त भक्त वैष्णव वृंद वृदन पादों को मेरा अनंत कोटि प्रणाम, उनके चरणों में मैं कृपा भिक्षा करता हूँ। लोग यहाँ श्री गुरुदेव के अनुगत्य में अनेक वर्षों से श्री रूप गोस्वामी पाद की एक विरोह उत्सव हम लोग मना रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद की महिमा गान करने के अधिकारी योग्यता हमारा नहीं है, न हम अधिकारी हैं, लेकिन अपने वाणी को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए दो चार शब्द उनके लिए मैं अवश्य ही कहूँगा। तो गुरुदेव के मुख से हम लोग श्रवण किया है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम तदाति स्वपदांतिकम। ये हम लोग मंगलाचरण में प्रार्थना करते हैं श्री रूप विषय का। चैतन्य महाप्रभु की जो मनोभीष्ट है इस जगत में आविर्भाव होने का,
उसको वास्तविक रूप में सार्थक कौन किया? असल रूपों को श्रीपाद ने चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित भूत। गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण इस जगत में आविर्भाव होते हैं, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण दुई हेतु हेतु इच्छा उद्गम। इनका आविर्भाव होने का जो दो कारण बताया गया, कृष्ण रसिक शेखर है और परम करुण है, इसलिए उनके अंदर दो इच्छा प्रकट हो जाता है। क्या? न राग मार्ग भक्ति लोके करित प्रचरण, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन। एक तो प्रेम रस के निर्जास को आस्वादन करने के लिए और राग मार्ग भक्ति को जगत में प्रचार करने के लिए। ये प्रेम रस के निर्जास आस्वादन अपने लिए है, कृष्ण स्वयं अपने लिए आस्वादन करते हैं, और राग मार्ग भक्ति जगत के लिए है, सभी जीवों के कल्याण के लिए परम करुण भाव से। उसी प्रकार तो भगवान कृष्ण में, कृष्ण लीला में जो अपूर्ति रह गया था, जो वांछा पूर्ण नहीं हो पाया था, उस प्रेम रस के निर्जास, प्रेम रस के सार अतिसार अतिसार जो हमने श्रवण किया है श्री गुरुपाद मुखारविंद से, वो क्या है? वो भाव के सार सार अतिसार हुए हुए माधनाख्य प्रेम, माधनाख्य महाभाव। अगर वो प्रेम गाढ़ होते जाएगा, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव और उसमें भी मोदन मादन, ये सर्वसार निर्जास जो है मादनाख्य प्रेम, जिस प्रेम को आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण लालयित हुए, इसलिए उनके अंदर में ये जो अभिलाष है, श्री राधे प्रणय महिमा कितृ शोभा नैव। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु के आविर्भाव की जो अंतरंग कारण है, मुख्य अंतरंग कारण है श्री राधया प्रणय महिमा पितृ शोभा नैव। कृष्ण ये सोचने लगे, उनके अंदर में ये लोभ जागृत हो गया कि राधा की प्रणय महिमा कैसे, पितृ शोभा नैव, किस प्रकार राधारानी तमाल वृक्ष के साथ में अभिमान करते हैं, मान करते हैं, और कुंद पुष्प देकर कृष्ण को स्मरण करते हैं, कृष्ण किस प्रकार हंस रहे हैं। सर्वत्र कृष्ण स्मृति, कृष्ण अंतर और बहिर सर्वत्र कृष्णमयी, ऐसे राधारानी के प्रेम की महिमा क्या है? राधारानी की प्रणय महिमा कितृ शोभा नैव, स्वाद्य जैन अद्भुत मधुरिमा कितृ शोभा मदीय। जिस कृष्ण माधुर्य में सारा जगत चमक है, कृष्ण माधुर्य का नीला है, लेकिन इस कृष्ण के माधुर्य को पूर्ण रूप में आस्वादन करने के लिए सामर्थ्य किसने? सिर्फ राधारानी। और राधारानी कृष्ण माधुर्य को पूर्ण रूप में आस्वादन करते करते हैं, कैसे करते हैं इसको भी कृष्ण जानने के लिए लालयित हो गए, उनके अंदर लोभ जागृत हो गया। जिस प्रकार राधारानी आस्वादन करते इस प्रकार हम आस्वादन करेंगे। रसिक शेखर उनके अंदर ये अभाव बोध हुआ, अनुभव किया कि ये मेरे लिए अंदर में कमी है। स्वाद्य जैन अद्भुत मधुरिमा कितृ शोभा मध्य सौख्यम चाष्ट मद अनुभव कितृ शोभा। राधारानी किस प्रकार सुख अनुभव करती, किस प्रकार वो मादनक्ष उन्नत मादनक्ष जो विरह में, वो विरह के अंदर मिलन सुख और मिलन के अंदर वो विरह उत्कट विरह, इसको कृष्ण समझ नहीं पाए मादनक्ष प्रेम की जो चमत्कार। इसलिए ये लोभ जागृत हुआ और इसको ये जो लोभ जागृत हुआ इस पूर्ण हुआ कहाँ? ना गौर लीला में। इसलिए गौरंग हमारे आचार्य गौर कहते हैं श्री गौर सुंदर है कृष्ण राधा भाव दीति सुबलितम। सिर्फ कृष्ण में राधारानी के भाव और दीप्ति और कृष्ण पूर्ण और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, श्री गौरांग महाप्रभु परम पूर्ण ब्रह्म, मोर कंप्लीट मोस्ट कंप्लीट
फॉर्म है कृष्ण के, वो है गौरांग महाप्रभु। और दूसरा राग मार्ग भक्ति लोक के करित प्रचरण, जगत में किस प्रकार राग मार्ग भक्ति प्रचार होगा, ये जीव किस प्रकार उद्धार होगा, किस प्रकार वो दुर्लभ प्रेम संपत्ति समर्पित वो उन्नत उज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रीयम, अपने जो गुप्त भीत है, जो संपत्ति है, जो उनके अंदर जो हिडन है, जिसको वो जगत में कभी नहीं दिया, किसी को भी नहीं, कोई भी अवतार में नहीं दिया, अनर्पित चरिंचिरा करुणयावत समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रीयम, उस प्रेम के हाँ को जगत में जीव को प्रदान किया, सारे जगत जीवों को श्री गौर शंकर। ये जो मिशन है ये चैतन्य महाप्रभु के मिशन, पूर्ण आस्वादन करना और राधारानी के भावों को और ये जगत जीवों को पूर्ण कल्याण करना, ये उन्नत उज्ज्वल की वितरण करना, ये महाप्रभु की जो मिशन है ये कंप्लीट हुआ रूप कृष्ण के द्वारा, पूर्ण रूप में इस जगत में स्थापित हुआ। रूप कृष्ण पाद ने पूर्ण रूप में इसको आस्वादन किया। गुरुदेव कहते हैं बात को, जम कलि रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठारिक कोन कपाट उधार। ये ब्रज प्रेम संपत्ति जिसको श्री गौर सुंदर इस जगत में उन्होंने ये दिखा स्थापित किया। महाप्रभु अगर नहीं आते वृंदा विपिन महामाधुरिमा प्रवेश चातुरी सार वरज जुबति भावर भगति सकति हितकार। ये वृंदावन की जो गंभीर भाव है, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो मूड है, ब्रज की जो भाव है, इसके अंदर कौन प्रवेश कर पाता अगर महाप्रभु नहीं आते तो, और ब्रज गोपियों के भावों को कौन समझ पाता, उस भावों के अनुगत में कौन साधन कर पाता, साधन की विधि क्या है, इस सब कुछ जो महाप्रभु चाहते थे जीवों को देने के लिए, इसलिए रूप गोस्वामी पाद के द्वारा महाप्रभु ने अपना मिशन स्थापित किया। वो कोई अभिन्न महाप्रभु से वो अभिन्न स्वरूप है, प्रिय स्वरूप है, दैत्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सहजात सहजता से बहुत इजिली सह स्वरूप में महाप्रभु की जो मिशन हुए जगत में उन्होंने स्थापन किया स्थापित किया। वही इसलिए रूप गोस्वामी पाद, और ये रूप गोस्वामी पाद जगत में नहीं आते, ये हम लोग आज जो भजन के बारे में श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब हम लोग करने में समर्थ नहीं होते। जाकर प्रसाद चरणे गाय गवाई सुख पावन। आज अगर हम महाप्रभु राधा गोविंद की कीर्तन गाते हैं, श्रवण करते हैं, आस्वादन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, किसके प्रसाद से, किसके कृपा से, श्री रूप गोस्वामी पाद की कृपा से, उनके कृपा के बिना नहीं, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद कौन है, वो वही भ्रमर है। अगर वन में बहुत सारे फल फूल बहुत सारी चीज है वन में, जिसकी सुगंध कोई जीव नहीं जानता है, अगर कोई भ्रमरा नहीं होता, भ्रमर नहीं होगा, उस फल की जो माधुरिमा, वो फूल के जो सौरभ, उसके जो अंदर में जो मधु है, उसको कौन आस्वादन करता, और आस्वादन करने के बाद जगत जीवों को कौन बताता है बात को। जब विद्वन फूल फल नाना विद मनोराज अरविंद, वो भ्रमर स्वरूप है श्री रूप गोस्वामी पाद। महाप्रभु के पूर्ण कृपा प्राप्त है, महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप है, और ये ब्रज के भाव को पूर्ण रूप में आस्वादन करके, उसके निर्जास को पूर्ण रूप में आस्वादन करके जगत जीवों को ये बतलाया और दिलाया। और रूप गोस्वामी पाद के जो अनुगत्य में, जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, और हमारे गुरुदेव हैं, इस रूपानुग वैष्णवों के अनुगत्य में अगर हम लोग उनके चरण को पकड़ के रहेंगे, अवश्य एक दिन हमारे जीवन में वो दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त अवश्य ही होगा, नचेत कभी होने का कोई संभावना नहीं है। सिर्फ दो मिनट लूंगा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जो कहते हैं, राधा पक्ष छाड़ी जय जन जे भावे से भावे ठाके आमित राधिका पक्ष पाती सदा कभू नाही हेरी ताके। ये जो भाव है राधा रानी के पक्ष है,
राधारानी के पक्ष में रहना राधारानी है, कृष्ण के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं। कितने सरल शब्द में उन्होंने कहा, अगर कोई राधारानी का अनादर करता है उसको करने दीजिए, वो अपने भाव में रहने दीजिए, मैं कभी उनको नहीं देखूंगा। क्योंकि ब्रजधाम क्या है, राधा पदांकित धाम, ये सब भाव कहाँ से, रूपालों को वैष्णव के विचार भाव है। मदिसा नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रन ब्रज विने स्वरिंतम नाथत्वे तद अतिलम ललितम, ये जो भाव उन्होंने दिया है रघुनाथ दास गोस्वामी ने, इसे रूप गोस्वामी पाद के भाव है कि हमारे कृष्ण हमारे डायरेक्ट प्रभु नहीं है, मास्टर नहीं है। हमारे मास्टर कौन है, मिस्ट्रेस से श्रीमती राधारानी, राधारानी से हमारा डायरेक्ट संबंध है, कृष्ण से नहीं। हमारी ईसा राधारानी है, उनके नाथ है कृष्ण। और ललिता विशाख, ललिता राधारानी के सखी है, विशाख्या शिक्षा गुरु है। और राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन जो कि हमको ये प्रेम संपत्ति प्रदान करेंगे, राधा गोविंद के दुर्लभ दर्शन प्रदान करेंगे, ये सब एक एक करके सब भावों को स्पष्ट रूप में हम लोग को बताया। नहीं तो रूप को स्वयं पाद के बिना वैष्णव जगत बिल्कुल अंधा बन जाएगा। जो रूप को स्वयं पाद के अनुगत्य नहीं है, उनके अनुग नहीं है, मुझे लगता है वो कभी राधा गोविंद की जो निकुंज में कभी प्रवेश नहीं कर पाए। मैं गुरु जी के मुख से जो भी श्रवण किया थोड़ा बहुत मुझे स्मरण आया, इन शब्दों के साथ पाद के चरण में पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ और गुरुदेव को प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव के बिना हम लोग ये सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। गुरुदेव अभी भी हमारे साथ विद्यमान है, कृपा करें कि एक दिन हम लोग इस रूपानुग वैष्णव की लिस्ट में हम लोग के नाम भी चढ़ जाए और एक दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाए। जय श्री गुरुदेव की जय, जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, तदी तिर भाव तिथि महामहोत्सव की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा। आप लोगों ने श्री मुनि महाराज जी से श्रवण किया कि प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। श्रीमान महाप्रभु के दो काम है कृष्ण के, एक क्या है, एक अपना एक दूसरे के लिए। हम लोग के लिए क्या, राग मार्ग भक्ति प्रदान करना चाहते थे। दूसरा क्या, प्रेम रस निर्यास। प्रेम रस में निर्यास क्या, श्री गुरुदेव कहते थे श्रीमती राधा ठाकुरानी के मादनाख महाभाव, राधिका जी के मोनोपली है, विरह में मिलन मिलन में विरह। अब मैं श्री प्रियानंद वर्मा जी से अनुरोध करता हूँ श्री रूप गोस्वामी पाद के श्री चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। तो माइक तो जरूरत नहीं, तो माइक में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, साक्षात हरि कृष्णा, समस्त शास्त्र रुद्रास वसामि, किंतु प्रभोर्ज प्रियैव तच्च वन्दे गुरुश्री चरणाङ्गं, वंशाकल्पतरूपश्च कृपासिन्धु पावने। हरे कृष्णा, आप लोग थोड़ा थोड़ी आगे आ सकते हैं। हे राधे रज देवी की चरणी के आनंद भगवान कल्प पाल बतही कलिंदी बंदे कुतः प्रभु बलो सकले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे
जगत श्री कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन जय युक्त हो जय युक्त हो सपाक्षत गौरहरी सपाक्षत राधा गोविंद सपाक्षत प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम प्रभु रूपानुग गुरु वर्गगण जय युक्त हो जय युक्त हो जय युक्त हो। आप पहले अष्टमदेव गुरुपाद पद्मा सर्व सिद्ध मात्मा ब्रज विभूति भगवान का अभिन्न प्रकाश मित्र नित्य संबंध ज्ञान प्रदाता अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान भक्ति हृदय मन देव संकल गुरु महाराज का राधुरी चरण में अनंत अनंत कटिशासंग दंडवत प्रणिपात करते हुए गुरु जी का हिंदू की कृपा चर्चा करता हूँ। गुरु जी नित्य गुरु से अनंत समस्त को प्रणिपावरणी प्रश्न तत्पश्चात अष्टमदेव अभिन्न गुरुपाद वर्मा नित्य लीलावत भक्ति प्रकाश केशव गोस्वामी महाराज महाराज जी का दो शिष्य दाय का तिरभा तिथि हमारा भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज भक्ति जन्म शताब्दी भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज दोनों गुरु घातक अनंत पक्षांग दंडवत प्रणाम करते हुए लोग का आयु की कृपा चर्चा करते हो उपस्थित सभापति महोदय त्रिदंडीपाद गण ब्रह्मचारी बिंद हरिकथा श्रवण पिपाचु भक्त वृंद स्नेहमय परिणाम शक्ति सबके यथाचक अभिवादन दंडवत प्रणाम प्रणति करते सबका यह वास्तविक हमारा ग्रुप था नारायण गोस्वामी महाराज। देखिए हम लोग हरि भजन करना नहीं चाहता है रूप गोस्वामी पर क्यों आया रूप गोस्वामी मनोभिष्ट चैतन्य महाप्रभु मनोभिष्ट पूरण करने वाला हमारा रूप गोस्वामी पर आज वही मनोभिष्ट हमारा हम लोग जानता नहीं हमारा ग्रुप था नारायण महाराज। देखिए ये बहुत साल से क्यों करा शुद्ध भक्ति जो शुद्ध भक्ति जो प्रेम रस निंजा वो जानने के लिए हमारा भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का ही कितना अच्छा अच्छा महंतों को वैष्णव को बुला के ये जो प्रेम रस निंजा सब जीव का हृदय में डाल दिया और हर साल ये डालते रहेगा तो ये एक दिन भजन करके शुद्ध जो प्रेम भक्ति जो कृष्ण रस आच्छादन ये राधा रानी का अनुगत्य से हमारे रूप गोस्वामी का अनुगत्य से एक दिन ये लोग को मिल सकता है। इसलिए जीव निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र में यदि यही सब प्रेम रस को महाप्रभु यही अपना आचरण करके दिखा दिया महाप्रभु और महाप्रभु का जो मनोभिष्ट वो हमारा रूप गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद। इसलिए हमारा महाकवि कर्णपुर प्रिय स्वरूपे देखिए हमारा रूप गोस्वामी प्रिय स्वरूपे प्रिय स्वरूप में प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजानु रूपे गतान रूपे सविलास रूपे सब रूप गोस्वामी पाद राधा रानी का जो मनोभिष्ट सब रूप गोस्वामी का अंदर इसलिए तो महाप्रभु हमारा अब चैतन्य महाप्रभु को जो था हमारा काशी में ना हमारा ओ त्रिवेणी में वह महाप्रभु का चरण चिन्ह है वही रूप गोस्वामी का हृदय में सारा डाल दिया हमारा महाप्रभु। तुम जाओ जाके एक महा हमारा जो पाद सब जीव का अंदर में डाल दो चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट इसीलिए रूप गोस्वामी पाद का अंदर में डाल के वो सारा जगत को शिक्षा दिया
इसीलिए हमारा देखिए रूपानुग गुरुवर्ग का कितना महत्व है। सब रूपों को गोस्वामी का अनुभव में हम लोग यदि निरंतर हरि भजन करें, हरे कृष्ण महामंत्र में डूब जाए, हम लोग तो अनंत काल ये संसार में डूबा हुआ है, लेकिन हरि नाम में कोई डूब जाए हरि नाम में। एवं ये रूपोगोस्वामी का जो प्रेम प्रेम इसलिए रूपो का संग देखे भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल नीलमणि रूपो गोस्वामी पाद का कितना देखे प्रेम आच्छादन करने लगे ओ उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसम भक्ति रसामृत सिंधु में यदि एक बार डूब जाए भक्ति रूप रस रूप अमृत में यदि हम लोग डूब जाए ताले हम लोग का एक दिन ना एक दिन वो भगवान का जो प्रेम रस वो मिल सकता है। यही सब रूपो गोस्वामी का आशीर्वाद रूपो गोस्वामी का कृपा से हम लोग ये लाभ कर सकता है। इसलिए हमारा ग्रुप गुरुवर्ग लोग और हमारा ग्रुप भ्राता यही पामन महाराज हमारा नारायण महाराज ये अब सारा विश्व में आज हरे कृष्ण महामंत्र गए। इसलिए गुरु का मनोविश्व भी पूर्ण करना आज सारा विश्व में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निरंतर हरे कृष्ण में हम लोग डूब जाएगा तो इसलिए हमारा ये शिव भक्ति वेदांत स्वामी भी था हरे कृष्ण एंड मे बी हैप्पी। तुम लोग आप सर्वदा हरे कृष्ण महामंत्र को प्रेम से जप करो जप करो में चैंटिंग जप करो एंड मे बी हैप्पी तुम लोग सुखी बन जाओगे। इसमें कोई इसलिए निरंतर हम लोग रूप गोस्वामी पाद का चरण में यही प्रार्थना हे रूप गोस्वामी पाद आप जिस लिए आए चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट पूर्ण किया हम लोग भी आप लोग का कृपा से वैष्णव का कृपा से गुरु वैष्णव का कृपा से एक दिन ना एक दिन वही चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभाव उसमें हम लोग भी शामिल हो जाए हमारा जीवन कृतार्थ बन जाएगा। गुरु वैष्णव का अनुभव में रह के हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते अंते जो मोती सो गोती अंतरिम टाइम में हमारा जो मोती होगा वहाँ ही हमारा गोति हो जाएगा। हम लोग और आगे नहीं बढ़ेंगे महाप्रभु का एवं सपाक्षत गौरहरी सपाक्षत राधा गोविंद सपाक्षत प्रभुपाद रूप गोस्वामी पाद का चरण में एक प्रार्थना करते हुए हमारा वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। वंशा कल्पत रूप कृपा सिंधु पतितान पापेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नम सपाक्षत गौरहरी की रूप गोस्वामी पाद की भगवान मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय जय श्री राधेश निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण वक्त के बाद ताली बजा के संवर्धना करना चाहिए। हरे कृष्ण अब मैं श्री मथुरानाथ दास बाबा जी महादेव से अनुरोध करता हूँ श्री रूप गोस्वामी पाद के श्री चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। श्री मथुरानाथ दास बाबा जी माइक पर ले लो। रूपांतरशात्रजौरी माधुरी गोष्ठवाणी
राधकुंडम गिरीवरमोजाधिकमाधवासम प्राप्त जस प्रतिदया शिवर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रवणे कनंद राधर शिवभक्तवृंद जय वसनातन भट्ट रघुनाथ श्री भगवान भट्ट दास रघुनाथ इच्छा प्रसाई करी चरण वन जाय सभीष्टपुरन भैया चयन वही बैन प्रभु जगदार सवर चरण वंद दंती दुर्गमी पतिनी अंधस्वत देव सत्पा दृष्टिरा संत संतवर मनम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वतमस्मदुरुपाद मध्वनृत्यलाभृष्टवा श्री श्रीमद्भक्तिलासतीसंगति तत्व सपाषद प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गरण मेरा आनंद साष्टांग दानी तत्व आज के जिना दुर्भाग्य श्री रघु गोस्वाई बाबू चरण मेरा साष्टांग दानी भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज चरण नित्रवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण मेरा साष्टांग दानी प्रणति उपस्थित सभापति महोदय एवं समस्त सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद एवं मातृमंडली एवं सज्जन मंडल को मैं यथाजोग्य सम्मान प्रदान कर रहा हूँ। तो आज विश्व अतिथि है श्री रूप गोस्वामी पाद की हीरो भाव तो मेरे को श्रीधर मान जी बुलाया सुनाने के लिए लेकिन बोलने के लिए बड़ा बताया नहीं तो एक बात है पहले जब महाराज जी पूज्यपत नारायण भक्ति वेदांत नारायण मान जी इस बात विद्रभा के उच्चापन कर सबको बुलाते इसीलिए गुरुओं ने वक्ता को बताया रस पान करा के लिए उपवेशन का दिन जो प्रकाश किया है वो रस पान कराने के लिए सबको बुलाते। तो आज उसी प्रकार ही रस के प्रकाश हो रहा है लेकिन मैं इसी बारे में क्या बता सकते हैं कि मेरा हिंदी में बोलने का इतना आदत है ही। और दूसरी है रूपल से बात ये वस्तु प्रदान किया उसी वस्तु लेने के लिए जो योग्यता जरूर है श्रवण करने के लिए जो योग्यता जरूरी है वो हम लोग का अंदर में कहा है। अब देखिए रूपल की समाप्त जिस प्रकार जो नीलाचल धाम जो विदंग माधव ललित माधव नाटक लिखा था उसी टाइम राय रामानंद स्वरूप दामोदर सब मिल के श्रवण कर रहे उसी टाइम एक श्लोक वहाँ बताया जी रस में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार योग्यता होना चाहिए अधिकता होना चाहिए क्या बताया तुंडे तांडव भगीरथी भीतने ते तुंडा बलि लब्धये कर्ण कोर कर्मिणी भटयते कर्णा और बुद्धिपस्मिरा चेत प्राणमन संगिनी विजयते सर्विंद्रियाणं न जाने जनता यद्वीर अमृत ही कृष्ण वर्णत। इस श्लोक जब उच्चारण किया तो राय रामानंद संत क्या वर्णन कर रहा है इसका अंदर इसी प्रकार सिद्धांत को प्रकाश किया। देखिए यहाँ पर
स्वयं स्वरूप ना मतलब राय मंत्र बता रहे क्या वर्णन करने जा रहा है जो इसी का अंदर में इसी प्रकार सिद्धांत की कोई प्रकाश और हरिदास को तो नाचने लाया ये और शास्त्र में नाम महिमा है और शास्त्र नाम महिमा कीर्तन करके नाम चरण में समर्पण करके नियुक्ति होती है भागवत के आगे उसी प्रकार नाम हर शास्त्र में है लेकिन इसी प्रकार जी नाम की महिमा ये नाम पर सुना है हरिदास जी को नाचने लग रहे तो इसी में एक चीज एक श्लोक रस आस्वादन करने के लिए रस योग्यता होना चाहिए रस में प्रवेश करने के लिए इसी प्रकार हम लोग को अनुभव होना चाहिए तब हम लोग रस में प्रवेश कर सकते हैं। देखिए हम लोग तो श्रवण करते हैं बोलते हैं लेकिन कितना अपना हृदय में धारण कर सके किस प्रकार धारण करने के लिए योग्यता लाभ किया ये हम लोग को विशेष कर मेरा अंदर में है नहीं क्योंकि एक चीज तो उनके तांग में हम लोग नाम पढ़ते पढ़ते एक जिहा में शांति होगा नहीं स्वतः स्वतः जिहा पानी का लालच होगा और इसी प्रकार ना उच्चारण करने की जब रुचि आ जाएंगे तो उसी टाइम श्रवण होगा श्रवण होने से श्रवण करने की इतना लालच होगा ये दो कानों में शांति नहीं होगा अद्भुत कारण पाने के लिए लालच इसी प्रकार उच्चारण करने की रुचि इसी प्रकार श्रवण करने की रुचि जब होगा तब चित्त प्रांगण में संगति चित्त की चित्त प्रांगण में युक्त काल के लिए संगति हो जाएंगे उसी टाइम हम लोग को अनुभव होगा कृष्ण के दो वर्णों में क्या अमृत भरा हुआ उससे पहले तो हम लोग को अनुभव नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए सर्वेन्द्रियानंद की जो बताया तो हम लोग तो इतना दिन परिणाम कर रहे भजन कर रहे कार्यक्रम आश्रय किया जो महाप्रभु प्रयाग में रूप कश्यप को शिक्षा दिया था संसार भ्रमित कुनो भागवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद देवाय भोग के लता यहाँ पर क्या बात संसार में तो बहुत ही भ्रमण कर रहे हैं लेकिन कोई सौभाग्यवान जी सबके लिए बताया कोई सौभाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद में तो भक्ति लता बीज मिल जाते आज भक्ति लता बीज हृदय में स्थापन करके श्रवण वृत्त रूप जल सेचन करते आज वो अंकुरित होके चंद्र भवन पार करके विरजा पार करके वैकुंठ पार करके गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण कल्प विषम का आश्रय करते हैं उसी का फल पड़ते और कोई फल हमारी आश्रय करते तब होते ही हम लोग तो भक्ति वेदांत नारद से नारद शिव से हम लोग भक्ति वेदांत भवन दशम शिव से इसी प्रकार श्रवण किया लेकिन मेरा जो भक्ति रहता कहाँ पर पहुंचा चंद्र भवन पार किया विरजा पार करके गया विरजा पार करके गया और हम लोग को एकांत भक्त में श्री कृष्ण अल्प विष्णु का आश्रय किया था हम लोग प्रेम आस्वादन करेंगे महाप्रभु प्रेम देने के लिए लेकिन हम लोग को भाग्य में नहीं हो रहा यदि होते तब हम लोग को चिंत एक चंद्र भवन में भागते चंद्र भवन तो बहुत दूर है हम लोग को लाभ पूजा प्रतिष्ठा विषय के चित्त अभी शांत नहीं हो रहा है जैसे पहले श्लोक में रूप से बात जो उपदेश ने बताया बात वेगम मनस क्रोध वेगम जुहा वेग मुद्र उपस्थ वेगम ये दान वेगान जो विषय देते सर्वाग्राम पृथ्वी से शिष्य हम लोग को शिष्य करने की लालच हो रहा है और हृदय में वासना जग रहा है लेकिन ये छह फिट जो दमन कर लेते समस्त जगत उनका चेहरा बन जाता है बताइए तो हम लोग सब पढ़ते लेकिन कितना हृदय में धारण करने का योग्यता रखते हैं इसीलिए
रूप गोस्वामी पाद जी रस समुद्र प्रदान किया, एक यदि पानी के हम लोग को दिन सबसे लालच हो जाए तो हम लोग को नितान तो भांगे। रूप गोस्वामी प्रथम जो उपदेश इनको हृदय में धारण करना था, उसी में सब कुछ दिया हुआ है। अनुकूल है कि कंट का इस प्रकार जगत के साथ में व्यवहार करना चाहिए। आज देखो छोटू पर हम लोग तो मर्यादा दे नहीं पा रहे, जो एक दिन के लिए पहले मन में आया उसको जो श्रेष्ठ बोल के मर्यादा देना चाहे हम ले पा रहे नहीं पा रहे। इसीलिए सत्य रूपगोस्वामी जो रस वस्तु आस्वादन करना होगा तो हम लोग को एकांत भाव में से परिश्रम को हृदय में धारण करना पड़ेगा। हो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत शास्त्र गोचर प्रभु जो बताया जे जो गौरियत के साथ में संबंध हुआ उनको क्या कर्तव्य है क्या धर्म है क्या बताया जी। एकमात्र रूप गोस्वामी पाद पद्म की धूलि होने का एकमात्र आकांक्षा हम लोग को जीवन में होना चाहिए। हो विरही का तो ब्रजवासी गण को सेवा में नियुक्त होना गोपियों के एकमात्र द्वार को एक प्रभुपाद बुद्धि सिद्धांत तो बताइए प्रभुपाद जी वस्तु दिया जो हम लोग को आकांक्षा हो रहा है लेकिन भगवत पाद पर पाने के लिए हम लोग का आकांक्षा नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी बताया जिन लोग से गोपी संपदा के संयुक्त हुए वो हर आदमी चरण में ऋणी है। वो ऋण शुद्ध करने के लिए हम लोग को जन्म जन्म तो वंश परंपरा अनुसार संयुक्त होना चाहिए। तब हम लोग को जी विरोही का ब्रजवासी मंदिर की सेवा एकमात्र धर्म है उसी में नियुक्त होने को पाएंगे। तो देखिए रूप गोस्वामी पाद साधारण कोई व्यक्ति विशेष था महाप्रभु कृपा के पाप जगत में तब रस समुद्र अधिकार हुआ इसीलिए महाप्रभु से मिलन नहीं हुआ। उससे पहले भी क्या ग्रंथ प्रकाश किया था हम सब का किस प्रकार विरोह भाव की राधा रानी चरम से करके अवस्था वहां पर वर्णन किया जो हम सब का वर्णन किया कि एकमात्र जब गोकुरु कृष्ण को ब्रज से मथुरा ले गया उसी टाइम श्रीमती राधा रानी जिसी प्रकार विरह भाव में नियुक्त हुए थे उसी प्रकार जो विरही का तो ब्रजवासी है उनको सेवा में नियुक्त होना चाहिए। जदा जात गोपी विरह मदनो नंद सदना मुकुंद गांगी नास्तनय मनोरंथन मधुरी तदा आकांक्षी चिंता सुनिधि घर भूना परिचयी अघादयादामय वैसे इसी प्रकार श्रीमती राधा जी कृष्ण विरह में किस प्रकार चिंता नदी में पतित हुए उसी बारे में जो बताया इस समस्त वस्तु मत में प्रवेश करने के लिए हम लोग को एकमात्र उपदेश मुक्त को हम लोग को धारण करना चाहिए। आप लोग तो मैं प्रणाम करके ये प्रार्थना कर रहा हूँ आज देवना जी महाराज के पास सुमुख से श्रवण किया आज भी वैष्णव लोग से सुमुख से श्रवण कर किया जे साथ एक उसको पानी के लिए दिन में लालच हो आज एक उसको धारण करने के लिए इसी प्रकार योग्यता लाभ हो इसी प्रकार प्रार्थना करते हुए मैं समाप्त कर रहा हूँ। श्री रूप गोस्वामी चरण में मेरा वाणी के स्थान के लिए समर्पण करते हुए मैं समाप्त कर रहा हूँ। वंश कल्पत हरे कृष्ण। अब मैं श्री सिद्धार्थ महाराज से अनुरोध करता हूँ समय का ध्यान में रखते हुए रूप गोस्वामी पाद के श्री चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री सिद्धार्थ महाराज जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरामृतस्य ज्ञानार्जनशलाकया च
चक्षुरुन मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आददानं स्त्रिणं दन्तैः हृदं जाचि पुनः पुनः श्रीमातुरूपपदाम्भुज धूलिश्याम जन्म जन्मनि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे पर जोर के तावत नहीं जोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री सहाबत महोदय एवं अन्यान्य त्रिदलिपादगण समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है जो श्री रूप गोस्वामी की वैशिष्टता का संबंध में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताए बोले स्वर्गी सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवत कथा जो वैष्णव का चरित्र वैष्णव का वैशिष्ट कहते जो सौभाग्य स्वर्ग में देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। क्या ये जो रूप गोस्वामी को बाहर में हम श्रवण कर रहे हैं ये कथा क्या स्वर्ग में क्या है कथा? कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये रूप गोस्वामी का जो वैशिष्टता है उनकी सौभाग्य में भी नहीं है। बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो बोले सत्य लोक में भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं। इसलिए सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मा भी राधा रानी के चरणों को प्राप्त करने के लिए वो भी वर्षना रूप में पर्वत रूप में कठोर तपस्या उन्होंने की है। बोले ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो जो सौभाग्य श्री कैलाश में भी नहीं जहाँ पर शंकर भी जिस रासलीला में प्रवेश करने के लिए उन्होंने गोपी स्वर्ग को भी प्राप्त किया लेकिन उनको चोटी पकड़ कर गोपियों भी मुंह से निकल गई। और इसकी बात छोड़ दो जो सौभाग्य कहते वैकुंठ के नाश अमरस जो सौभाग्य श्री वैकुंठ लोक में भी जो सौभाग्य नहीं है कहते वैकुंठ की बात छोड़ दो कि रूप गोस्वामी का वैशिष्ट क्या वैकुंठ में चर्चा होती नहीं होती है। बोले वैकुंठ की बात छोड़ दो ये कथा अयोध्या में भी नहीं ये अयोध्या की बात छोड़ दो ये कथा मथुरा में भी नहीं लेकिन ये कथा कहाँ पर है? कहते केवल श्री वृंदावन में और श्री गुरु जी की अनुगत में श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में ही ये सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान है जो गुरु जी की अनुगत में महाराज ने जो श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में जो दुर्लभ वस्तु को देने के लिए महाप्रभु आए इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान जो कि श्री महाराज की हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की अनुगत में हम जो आए हैं हम तो बड़े सौभाग्य मानते हैं जब हम किसी गौड़ीय मठ में जाते हैं कथा बोलने के लिए। लेकिन हम लोग की जो कथा सुनते हैं ना कोई भी सुंदर कहीं कथा बोलता होगा बोले जरूर ये नारायण महाराज का संपर्क में जरूर मिलती नारायण महाराज के संपर्क में होगा नहीं तो ये कथा कहीं नहीं सुन सकते हैं।
इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो ये कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए जितने हमारे वैष्णव लोग हुए हैं रूपानुगत में, ये सब के सब एक चीज प्रार्थना किया है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, सुनिया जी साधो मुखे बोले सर्प जाना, श्री रूपा कृपाए मिले जो गला चराना। भक्ति विनोद ठाकुर श्री अभी मुनि महाराज कह रहे थे ना, बोले राधा पद छाड़ी जजन सजन जे भावे से भावे ताके, आमी त राधिका पक्त पाति सदा कभु नाहिरी ताके। ये रूपानुगत हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, भले ही जो व्यक्ति राधा रानी के चरण को छोड़ करके भले ही जिस भाव से स्वभाव क्यों नहीं रहे, लेकिन हम किसकी पक्ष है, श्री राधा जी की पक्ष है। कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, और श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कवि श्री रूपानुगत तो की हमें भी कवि श्री रूप रघुनाथ पते आईवे आको कवि अमो जब से जुगला पीते रूप रघुनाथ पते रूप रास प्रार्थना करे सदा यही चीज कह रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही तभी ये राधा कृष्ण की जुगल सेवा में प्राप्त होता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कुछ देकर देखो, हर अध्याय का लास्ट में वो रूप रघुनाथ पते रघु पर आज चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। देखो ना जितने हमारे गौड़ीय वर्ग हुए हैं सब के सब एक चीज श्री रूपानुगत ही प्रार्थना किए हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद हैं, श्रील प्रभुपाद जिसने हमारे गौड़ीय वैष्णव का जिसने सर्वप्रथम जिसने हमारे गौड़ीय मठ का स्थापन किया हैं, वो राधा रानी की नयन मणि मंजरी उनके उपदेश में देखो हर जगह पर कहते हैं रूप गोस्वामी की चरण की एक धूल बनना ही हमारे जीवन का यही आकांक्षा का विषय है। हर जगह पर वो भी यही बात को कहते हैं। अभी प्रश्न होता है भैया इन लोगों ने ये सबके सब एक ही चीज को क्यों प्रार्थना किया, श्री रूप गोस्वामी का अनुगत रूप गोस्वामी कारण किया है। इसलिए कारण यही है श्रीमान महाप्रभु भी जो बता रहे थे हैं, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, इसलिए वो परम दयालु होने का नाम है। ये कलियुग में वो जो दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु वितरण करना चाहते हैं, जो प्रेम को ब्रह्मा का एक दिन में जो प्रेम उन्होंने एक बार दिए नहीं ऐसे बात नहीं, लेकिन जो पहले ब्रह्मा की एक दिन कितना है पता, 1000 चतुर्युग पहले इतना दिन पहले उन्होंने जो प्रेम को उन्होंने प्रदान किया उन्होंने इसी कलियुग में। और ये जो कलियुग है ये धन्य कलियुग है, साधारण कलियुग नहीं। इसलिए कहते के जाति रे भाई भवपिन सिंधु पार धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार, ये धन्य कलियुग है ये साधारण कलियुग नहीं। और ये धन्य कलियुग में श्री एकादश स्कंध में भी बताए इसलिए ये धन्य कलियुग है महाप्रभु आए कहते सत्य तृतीय द्वापर युग का लोग भी यहाँ तक भी स्वर्ग लोक के दूसरे लोग भी ये कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों जन्म लेना चाहते हैं, सत्य युग का तृतीय युग है, तृतीय युग का राम राज्य कहते हैं, कृष्ण जब आए वहां पर भी धर्म की चार चरण था, लेकिन कलियुग तो अत्यंत प्रायण अल्पायुष सभ्य कला बस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतेव, कलियुग अत्यंत मंद युग है। लेकिन इसी कलियुग में दूसरे अवतार का भक्त लोग दूसरे युग का लोग भी ये कलियुग में धन जन्म लेना चाहते क्यों, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये कलियुग में आकर के और श्री रूपानुगत को जो ग्रहण करेगा उसको उससे भी श्रेष्ठ वस्तु गोलोक वृंदावन में बोले गोलोक वृंदावन में नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं महाप्रभु के अनुगत्य में श्री रूपानुगत को ग्रहण करते हुए जो भजन करेगा एक साथ में युगपत उनको गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज की सेवा और महाप्रभु की श्वेत दैत्य में महाप्रभु की चरण
उसको ये दो प्रकोष्ठ में दो स्वरूप में उनको ये सेवा प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर आप लोग जो आए हो गले में कंठी तिलक लगाए, लेकिन समझो आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं। यद्यपि ये भक्ति उन्मुखी सुकृति अलग अलग है, कोई रामानुज संप्रदाय में, कोई मध्वज, कोई विष्णु स्वामी निम्बार्क संप्रदाय में कोई गए हैं, लेकिन महाप्रभु को धारा में जो आए हैं इनका जो सुकृति है ना, ये सुकृति कोई साधारण सुकृति नहीं, ये विशेष विशेष सुकृति से ये महाप्रभु को धारा में कोई अभिषिक्त होने का किसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी प्रश्न है फिर ये महाप्रभु ये क्या ये अनर्पित चरित्रा ये सब क्या कह रहे हैं हमारी महाप्रभु को धारा में बार रूपानुगत को आश्रय करने से क्या विशेष फल। इसलिए जिसको श्री रूप गोस्वामी जो उन्होंने उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में यह चीज को वर्णना किया है, और श्री रूप गोस्वामी भी अलग अलग जगह पर उन्होंने, और रूपानुग वर्ज्य कौन श्री रूपानुग वर्ज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये चीज को वर्णना किया है। अभी कह रहे थे ना बोले मदीस नाथ होते ब्रज विभिन्न चंद्रम, अगर तुम्हें पूछा जाए भैया ये कृष्ण से तुम्हारे क्या संबंध है, बोले भैया हमारे कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। बोले किसको साथ में मतलब, बोले हमारे मतलब तो श्री किशोर जी को साथ, राधा जी को साथ में, इसीलिए कृष्ण से हमारे संबंध है, इसीलिए चूंकि कृष्ण किशोर जी की प्रियतम लगते हैं, लेकिन ये बेस उनको साथ में कोई डायरेक्ट हमारी संबंध है नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उनकी विशेष करके पांच तरह का सखियां होती हैं, लेकिन उसमें कुछ सखियां हैं जो कि कृष्ण पक्ष देने वाले, कुछ सखियां हैं जो उभय पक्ष राधा कृष्ण पक्ष देने वाले, उसमें कुछ सखियां हैं जो केवल श्री राधा रानी को पक्ष देने वाले। अगर जो कृष्ण पक्ष जो सखियां हैं अगर राधा रानी मान करती है ना, वो क्या कहते बोले किशोर जी तुम क्यों मान कर रहे हो, ये जौवन को क्यों बेकार कर रहे हो, तुम जाओ ना श्याम सुंदर से जा करके मिलो, श्याम सुंदर से जा करके तुम मिलो है। लेकिन जो उभय जो पक्ष जो किस जो ललिता विशाखा आदि सखियां ये कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और श्री राधा रानी को प्रेम करते हैं, कहते जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधम भिन्न राधा माधव स्वरूपम। इनका जो भावना जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा है, लेकिन ये दोनों ही बराबर है। इसलिए यद्यपि ये उभय स्नेह दिखाए दोनों को, लेकिन अगर तुलना किया जाए तो ये थोड़ी सी राधा पक्ष में थोड़ी सी झुके हुए हैं, लेकिन ऐसे कुछ सखियां हैं जो प्राण सखी और श्री नित्य सखी जो सखियां हैं, तद नहीं ये केवल राधा रानी की सुख में सुखी और राधा रानी का दुख में ये दुखी है। अगर कृष्ण कभी इनको अकेला देखा कर बुलाए ना मिलने के लिए, कृष्ण को भी ये डांट लगा देने वाले, बोले भैया हम तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं, हैं मिलना नहीं चाहते हैं, हम तो श्री किशोर जी की आनुगत्य में ही हम श्री सेवा करना चाहते हैं, किशोर जी की आनुगत्य में, बोले इनकी आनुगत्य में सेवा से विशेष विशेष इसकी महत्व क्या है, किशोर जी की आनुगत्य में सेवा करने का महत्व क्या है, इसका महत्व बताए महाप्रभु कलियुग में ये क्यों ये राधा रानी के भाव अंग कांति लेकर के आए, कारण क्या है। उन्होंने देखा यद्यपि मैं विषय विषय में हूँ आश्रय स्वरूप श्रीमती राधा रानी, लेकिन राधा रानी मुझे जब दर्शन करती हैं मेरे रूप को मेरे माधुर्य को जो आस्वादन करती हैं, कहते भैया राधा रानी को मेरे से जो आनंद उससे करोड़ों गुण ज्यादा आनंद, थोड़ी मोटे आनंद नहीं, राधा रानी को करोड़ों गुण आनंद प्राप्त होता है, जो रस को राधा जी के शरीर में जो प्रेम के जो विकार मेरे शरीर में नहीं करोड़ों गुण आनंद है। इसलिए कृष्ण को अगर पूछा जाए भैया तुम कौन हो, वो एक ही परिचय देंगे मैं आत्मा राम और आप तो काम हो, इधर उधर किसी परिचय देंगे, लेकिन अगर राधा रानी को पूछा जाए भैया तुम कौन हो, वो सीधा श्री श्याम सुंदर को चरण दर्शन करते हुए हमारी से श्याम सुंदर हमारे श्री प्रियतम है। अगर ललिता को पूछा जाए तो तुम कौन हो, ये क्या बोलेंगे, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवनी मरणी गति आर नाही मो, वही परिचय देगी राधा कृष्ण जुगल ही हमारे प्रियतम है। लेकिन अगर श्री रूपमंजरी को पूछा जाए भैया तुम कौन हो, बोले भैया इन तीनों का हम सभी का है, लेकिन जब नीचे जितने आ रहा है वो कितना आनंद प्राप्त हो रहा है, छोटे मोटे आनंद नहीं,
उससे करोड़ों करोड़ों गुण ज्यादा आनंद है। रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी को पूछो, बोले हम इनका सेविका है। श्री प्रभुपाद श्री नयनमणि मंजरी को पूछो, बोले हम इनकी सेविका है। अब श्री विनोद मंजरी श्री केशव गोस्वामी महाराज को पूछो, बोले किसके, बोले हम इनकी सेविका। और श्री रमण मंजरी कौन, हमारे श्री भक्ति प्रताप नारायण गोस्वामी महाराज को पूछो, ये क्या बोलेंगे, बोले हम इनकी सबके सेविका में हूँ। लेकिन वो जितने नीचे आ रहा है ना, ये मत समझो सेवा कम है, नहीं। इसलिए भागवत में देखो श्री चित्रकेतु महाराज वित्रासुर क्या कहते हैं, कहते दासानुदास भवितास में भो, हे प्रभु मैं आपका दास बनना नहीं चाहता हूँ, आपके दासों के दास बनना चाहता हूँ। तो भृत्य 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 से भृत्य, कहते तुम्हारी सेवक के सेवक के सेवक बनना चाहता हूँ। और श्री कहते हैं गोपी भर तु पद कमले दास, दासानिया सबके सब दास के दास चाहते हैं। बोले कारण क्या, बोले कारण है ये रस जितना नीचे आता है ना, वो सारे के रस नीचे व्यक्ति को प्राप्त होता है, नीचे व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे माधव महाराज जी बन महाराज तीर्थ महाराज यानी यहाँ पर जितने महाराज भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज और श्री मुनि महाराज जितने महाराज पूछो भैया तुम लोग कौन है, हे कौन, बोले भैया हम इनके सबके 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 हम दास है, इनके सबके सब दास है। इसलिए श्री ये जो मंजरी भाव है, ये मंजरी देखने में तो लगती है बहुत छोटियां हैं, लेकिन छोटियां नहीं ये खोटियां हैं, वो छोटी नहीं ये खोटी हैं। इसलिए कहते स्पृशति यदि मुकुंदम तत् सखीनाम, अगर कृष्ण श्री राधा रानी को स्पर्श करते हैं, स्पर्श से राधा रानी को करते हैं, लेकिन श्वेत कंप असुर किसको शरीर में आता है, बोले ये सब के सब मंजरी को शरीर में आता है, मंजरी के स्वरूप में। ये मंजरी स्वरूप इतने दुर्लभ स्वरूप है, जो स्वरूप महाप्रभु भी जिस समय समुद्र में छलांग लगाए, जब जेलिका जाले में निकले, जब महाप्रभु को कीर्तन करते हुए जगाए, उन्होंने क्या बोले, वो क्या कहते हैं, मैं तो राधा कुंड में श्री राधा कृष्ण की मैं जुगल जल विहार दर्शन कर रहा था, तुम लोगों ने मेरे को क्यों बुलाया। महाप्रभु स्वयं ये मंजरी भाव को इतने महत्व है, वो चीज को प्रार्थना करते हैं, मंजरी भाव को इतने, ये मंजरी भाव की दुर्लभता है। इसलिए श्री कलियुग में महाप्रभु, महाप्रभु का कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के आए और उन्होंने ये लीला को उन्होंने आस्वादन किया। अभी प्रश्न है, ये भाव तो आपने सुन लिया भैया, ये तो बड़े दुर्लभ वस्तु, ब्रह्मा शंकर भी प्रार्थना करते हैं। अभी प्रश्न होता है ये चीज को हम प्राप्त कैसे करेंगे, जितना सुन लिया ना, लेकिन ये प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ये उपदेशा उपदेशा मृत ग्रंथ को उन्होंने रचना करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये जो उपदेशा मृत है ये सहजियाओं के लिए ये वज्र है, सहजियाओं के लिए, सहजिया मतलब क्या, वो जो दुर्लभ प्रेम ब्रह्मा शंकर भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो जो दुर्लभ प्रेम को मंदिर आते ही, हाँ बाबा इस संप्रदाय में आते तुम कौन सा मंजरी कौन सा सखी तुम्हारी ये नाम तुम्हारी बस, प्रभुपाद कहते अभी शौच क्रिया भी करना नहीं, शौच क्रिया के बाद में हाथ कितना तरह धोना चाहिए ये भी सीखा ही नहीं, एबीसीडी का अ भी नहीं सीखा, उसको क्या दिया तो पीएचडी की चीज दे दिया, तो ये मंजरी ये सखी है गोपी, इसको कहते सहजिया, जिस वस्तु को इतना दुर्लभ उसको जो सहज बना देते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ये वस्तु को कैसे हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये उपदेशामृत ग्रंथ में ये बाच वेग से लेकर के अत्याहार प्रयास भक्ति प्रतिकूल चीज को छोड़ो, भक्ति पोषक चीज को ग्रहण करो, आप विशेष करके हरि नाम में तुम्हारी रुचि हो, हरि नाम में अभी महाराज कह रहे थे ना, तुंडे तांडवित बितनुते तुंडा बलि लब्धय कर्ण क्रड़ो कड़मिनि घटयते कर्णा बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संग निरचयते सर्वे इंद्रियाणाम कृति नो जानति किम अद्भुत कृष्ण वर्ण दोय। जब तक ये हरि नाम में तुम्हारी रुचि नहीं होगी, उसको बाद में तन्नाम रूप चरितात सुकीर्तनानो क्रमेण रससना मनस निजज्यो, उन्होंने ये जो बात लास्ट में जाकर के उन्होंने ये राधा कुंड श्याम कुंड की बात कहते हैं, ऐसे नहीं क्लास का ए भी नहीं पढ़ा और राधा कुंड श्याम कुंड गोपी और मंजरी लड्डू मंजरी कचौड़ी मंजरी नाम रख दिया। इसलिए भक्ति विनोद श्री रूप गोस्वामी ने ये सब चीज को हमें प्रदान किया, अगर ये रूप गोस्वामी नहीं होते तो भैया ये सब चीज को हम पता ही नहीं चलता। कम से कम महाराज जी कहते अपना लक्ष्य को स्थिर कर दो इस जीवन में,
उसको बाद में साधन करो, केवल लक्ष्य अगर स्थिर हो गया किसी ना किसी जीवन में जरूर हमें प्राप्त होगा, लेकिन ये लक्ष्य हमारी केवल महाप्रभु जो चीज को देने के लिए आए, और ये चीज को हमें विशेष करके हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने एक एक शिष्यों के हृदय में उन्होंने ये एक एक चीज को उन्होंने हृदय में उन्होंने बो दिया है। इसलिए हम सबके सब महाराज का चरण में हम ऋणी हैं। हम तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, माधव महाराज बोल ही नहीं गए, इसलिए इनके हर दृष्टिकोण में रसी रस है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे गुरु वर्ग से कि हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करें, इसका एक बूंद कभी चखने का हमारी सौभाग्य प्राप्त हो। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तुम तो सारा दोपहर छोड़ दिया। दोपहर में हम बुलाए नहीं महाराज, हमारे परमात्मा महाराज बोलते हैं। हरे कृष्ण। आप लोगों ने श्री मथुरानंद दास बाबा जी श्री श्रीधर माई सुना कि तुंडे तांडव विनिरति गीतमते धंडावलि लब्धये, कि जो नाम की महिमा है श्रीमान महाप्रभु नाम नामकारी बहुधान या सर्वशक्तिय बताया, रूप गोस्वामी पाद नामाष्टक लिखा, इस तुंडे तांडव में क्या छिपा हुआ है, इसके रहस्य के बारे में जो गुरु को श्रवण किया उनके जो मौत सब तिथि आएगा उसमें वर्णन, कितने सुंदर रस, क्यों इसके सब आनंदित होते हैं, इसे मैं बताऊंगा। अब मैं श्री नारसिंह महाराज से अनुरोध करता हूँ रूप गोस्वामी पाद के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें 10 मिनट, इसके बाद परमेश्वरी प्रभु जहाँ भी हो 10 मिनट बाद परमेश्वरी बोलेंगे जा जाओ परमेश्वरी प्रभु। नारसिंह महाराज 10-10 मिनट समय नहीं है, हमें सभापति महोदय को समय देना है, इसलिए सब 10-10 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मदीय दीक्षा गुरु शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्शिष्यम भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यम भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत प्रति श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मंचस्थ सभापति महोदय एवं सभी त्रिदंडी पादगण सभी को यथायोग्य प्रणाम। आज श्री रूप गोस्वामी की तिरुभाव तिथि के ये वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, तो रूप गोस्वामी ये पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने पिछले 30 साल से यहाँ पर ये रूप गोस्वामी का झूलन यात्रा और ये उत्सव लगभग चल रहा है। मैं भी 30 साल से देख रहा हूँ, 91 से, उसी समय लगभग 2 साल पहले, क्योंकि 87 में इस मठ की स्थापना हुई थी, तब से ये उत्सव यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, हम उसके सब लोग साक्षी आप लोग हैं। तो ये रूप गोस्वामी है कौन? चैतन्य महाप्रभु जिनके ऊपर में कृपा की, हृदयस्य प्रेरणाया व्रात रूपो अपि, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रूप से चैतन्य महाप्रभु ने मेरे हृदय में प्रेरणा की, इसलिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो रूपमंजरी ख्याता यासित वृंदावने पुरा साध्य रूपाख्य गोस्वामी प्रकटिताम, जो रूपमंजरी वृंदावन में राधा कृष्ण लीला में जो रूपमंजरी है वही रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी रूप में प्रकटित हुए। तो वह रूपमंजरी कौन है? उन्होंने जो राधा कृष्ण की अंतरंग लीला की और ब्रज का जो रस विचार है, चैतन्य महाप्रभु उनको लोग रसाचार्य बना दिया
और सभी अपने जितने जैसे ब्रह्मा के हृदय में प्रेरणा देते हैं, शक्ति संचार करते हैं, इसे रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति संचारित कर दी और फिर से ब्रज वृंदावनीयाम रसकेली वार्ताम कालेन लुप्ता निजगुप्त वित्त संचारे रूपम रूप गोस्वामी के अंजन को संचरित किया। ये ब्रज की लीला, ये ब्रज का रस विचार सब लुप्त हो चुका था, उसको फिर से उन्होंने और भक्ति के बारे में जो रस भक्ति, भक्ति ही रस भक्ति किस प्रकार से है उसको भी रूप गोस्वामी ने प्रकटित किया। तो इसलिए रूप गोस्वामी हमारे सभी चैतन्य महाप्रभु जितने कृपा पात्र हैं सब में टॉप मोस्ट में रूप गोस्वामी है। महाप्रभु ने उनके ऊपर विशेष कृपा की, पारावार शून्य भक्ति रस सिंधु तहार चखाई वामी तुम्हारे एक बिंदु, भक्ति रस रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा, उसके अंदर भक्ति की डेफिनेशन लिखी, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति का डेफिनेशन ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, ये सबसे टॉप ग्रंथ भक्ति के संबंध में है। सभी संप्रदाय सभी आचार्य इसको मानते हैं कि रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु सबसे टॉप ग्रंथ है, ऐसी व्याख्याएं कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। उसके अंदर भक्ति के गुणों की व्याख्या की गई कि भक्ति करने से क्या क्या होता है, तो उसमें कहा क्लेशाग्नि, सबसे पहले क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि क्या है, तो क्लेशाग्नि है पाप, पाप बीज और अविद्या, इसको कहा क्लेशाग्नि है। ये क्लेश दूर हो जाते हैं तो पाप क्या है, पाप में भी दो प्रकार बताएं कि प्रारब्ध पाप अप्रारब्ध पाप, तो हमारे पूर्व पूर्व जन्मों के जो पाप हैं वो भी दूर हो जाते हैं, इस जन्म में पूर्व जन्म के कुछ पाप लेकर हम इस जन्म में कुछ कर रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे, और फिर ये तो दूर हो जाते हैं पाप, किंतु पाप करने की वासना दूर नहीं हो जाती है, तो पाप करने की वासना भी दूर हो जाती है और अविद्या भी दूर हो जाती है। अविद्या कहाँ है, हम अपने को भूले हैं। पाप क्या है, इसलिए कहा एक श्लोक भक्ति संदर्भ में एक श्लोक है, जावत पापेस्तु मलिनम हृदयम तावत ए वही न शास्त्रे सत्य बुद्धि न गुरु सत बुद्धि यथा, जिस प्रकार जब तक हृदय मलिन रहता है शास्त्र में हमारी सत्य बुद्धि नहीं होगी, पाप के द्वारा जब तक हृदय मलिन रहेगा हमारी जो शास्त्र के ऊपर में शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र में सत्य बुद्धि नहीं होगी और गुरु में सद्बुद्धि भी नहीं होगी, जब तक पाप के द्वारा हृदय मलिन है। इसलिए ये पाप जो मलिन है और उसको भी दूर करने वाला और अविद्या को भी दूर करने वाली क्या है, भक्ति है। उसके बाद में लिखा क्लेशाग्नि शुभधा, शुभधा मतलब क्या है, सभी प्रकार के शुभ उदय हो सकते हैं, तो शुभधा क्या है, शुभ मने सुख भी है उसमें, सुखदत्वम कहा, तो सुखदत्वम क्या है, ये सुखद है वहां पर कहा, तीन प्रकार के सुख है, वैषयिकम ब्राह्मम ऐश्वर्यम चित्रिथा भक्ति रसामृत सिंधु, तो विषय सुख क्या है, इस विषय सुख, उसके बाद ब्रह्म सुख, उसके बाद ऐश्वर्य सुख, ऊपर के वैकुंठीय सुख, उसके ऊपर में गोलोक वृंदावन का सुख है। तो ये विषय सुख के बारे में आपको बता रहा हूं, विषय सुख जो है इस संसार का जो हम लोग इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करते हैं इसको विषय सुख कहा, आंख के द्वारा कान के द्वारा जो सुनते हैं रस लेते हैं तो इसको विषय सुख कहा। ये विषय सुख कहां पर है, जो सब लोग चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्ति से सब कुछ मिलेगा, मद भक्ति योगिने लभते अंजसा स्वर्गम अपवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति, अगर कोई स्वर्ग चाहता है भक्ति करने स्वर्ग, हाँ स्वर्ग मिलेगा, और गोप कुमार हमारे गए स्वर्ग में, स्वर्ग में जाकर इंद्र के राजा बने, तो स्वर्ग चाहिए अपवर्ग चाहिए, यदि भगवान का धाम चाहिए वो भी मिलेगा। तो इसके लिए पहले तो लौकिक सुख क्या क्या है, वैषयिकम इसको कहा एक विशेष सुख, तो विशेष सुख क्या है, अगर कोई इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हो, अभी तो शक्य नहीं, अभी तो लोकतंत्र है, अभी छोटे छोटे खंडों के एक एक राजा बने हुए, हमारे पूरे पृथ्वी में 200 के ऊपर लगभग देश हैं, तो सभी देशों को अगर एक राजा पहले थे भरत रघु ये सब चक्रवर्ती राजा थे, तो पूरे पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का एक राजा हो चक्रवर्ती सम्राट, जैसे राजा भोज थे, तो उनके पास में वो युवा हो और निरोगी हो, स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, उनके सब मंत्री तंत्री प्रजा सब अनुकूल हो, तो ऐसे राजा का सुख है। उनको जगाने के लिए पहले राजा महाराजों को देखते हैं क्या वैभव था, राजा महाराजों को जगाने के लिए बड़े बड़े उनको जगाने के लिए वेद मंत्र अफसर आए और हाथी का नाद कराते थे, घोड़े के जिद्धात कराते थे, इस प्रकार राजा को जगाने के लिए पूरे वेद मंत्र के साथ में पूरे ब्राह्मण वगैरह सब जगाते थे, तब महाराज उठते थे। तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का जो सुख है,
ऐसे 100 चक्रवर्ती सम्राट के सुख के बराबर ये गंधर्व लोग का सुख है। ऐसे 100 गंधर्व लोग के समान सुख के बराबर एक देवगंधर्व का सुख है। ऐसे 100 देवगंधर्व के लोग के सुख के समान ऐसे देवगंधर्व में प्रजापति का सुख है। प्रजापति ऐसे देवता ऐसे इंद्र का सुख, ऐसे 100 सुखों के बराबर एक देवता मतलब इंद्र का सुख है। ऐसे 100 इंद्र के सुख के बराबर एक देवताओं का गुरु बृहस्पति का सुख है। ऐसे 100 बृहस्पति के सुखों के समान ये एक प्रजापति का सुख है। उसके बाद में ऐसे 100 सुखों के बराबर एक ब्रह्मा का सुख है। तो इस चतुर्दश भुवन में इतना सबसे बड़ा टॉप सुख है ब्रह्मा का। किंतु ये भी क्या है, वैषयिकम विषय जनित अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, इसलिए उसको जड़ानंद कहा है। ये संसारिक विषय सुख है, ये जड़ है। तो ये जड़ अंदर अगर 100 इतना भी कोई ब्रह्म पद भी प्राप्त करे तो क्या है। अरे सूर्य पे ब्रह्म पदम या वांछति, वो सूर्य और देवता भी हैं सम्राट अमरावती का जो इंद्र, वो भी ब्रह्म पद चाहता है और वो लोग भी यहाँ पर पृथ्वी में आकर मनुष्य लोक में जन्म लेना चाहते हैं। तो ऐसा जो सुख है इसको वैषयिकम ये विषय सुख है, ये तो इस इंद्रियों के द्वारा समाप्त होने वाला है। इसके बाद में ब्रह्म सुख होता है। ब्रह्म सुख क्या, मुक्ति का सुख। मुक्ति के सुख में भी कहा है कि ये जितना जड़ानंद है 100 कोटि जड़ानंद के बराबर एक ब्रह्म सुख होता है। कोटि जो अभी पता है वैषयिक सुख, अगर कोटि बार ब्रह्मा भी बने तो उसके बराबर एक ब्रह्मानंद होता है। इसलिए कहा कृष्ण प्रेमामृत सिंधु कृष्ण प्रेमामृत जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु। कोटि ब्रह्मानंद में भी जो कृष्ण प्रेमामृत सिंधु में जो कृष्ण प्रेमाम क्या है, अल्लादनिर सार प्रेम नाम, अल्लादनिर का सार जो प्रेम है। इसके लिए क्या है, वेदत्रय कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम, ये तीन महादन जो प्रेम है। हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वो कृष्ण प्रेम क्या है, अल्लादनिर सार। तो वो क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए कोटि ब्रह्मानंद उसके सामने एक तुच्छ है, इसलिए वो हम लोग प्रेम प्राप्त उसको कहते हैं ब्रह्म सुख। ये ब्रह्म सुख क्या है, वो जाके ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो ब्रह्म सुख में वहां पर जाकर के जो भगवान के निर्विशेष निराकार कांत है उसमें जाकर के जो तमस पहाड़े जहां पर भगवान के हाथ द्वारा मारे गए असुर भी जहां पर जाते हैं वो जो ब्रह्म लोक हैं, तो ब्रह्म लोक में जो हमारे मधुसूदन सरस्वती थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्म सिद्धि की, उसको अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखा। अद्वैत सिद्धि मतलब ब्रह्म सिद्धि। उन्होंने कहा कि मैं अद्वैत सिद्धि पतकै रूपाश्च स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन वयम अपि सठेन केनापि वयम हटेन दासी कृता गोब वधु विठेन। वो ब्रह्म सिद्धि अद्वैत सिद्धि प्राप्त किए हुए मधुसूदन सरस्वती सबसे बड़े टॉप के विद्वान थे अद्वैत अद्वैत के। तो उन्होंने भी लास्ट में क्या कहा कि मैं अद्वैत वीति पति के रूप से मैं अद्वैत सिद्धि प्राप्त कर ली, किंतु मुझे वृंदावन में आया और मैं ऐसा सठी था हट था, मुझे इस गोब ब्रज गोब वधु विठेन ये कृष्ण ने मुझे अपना दासी बना दी। तो कहते ऐसे ब्रह्मानंद में छोड़ छोड़ करके जो कृष्ण प्रेमानंद में प्रेम पाना चाहते हैं वो ऐसे हमारा ब्रह्मानंद भी नहीं चाहिए, उसको कहते ब्रह्म सुखम। पहला वैषयिकम फिर ब्रह्मम फिर ऐश्वर्यम। ऐश्वर्य क्या, बोले वैकुंठ के उस पार में ये वो सब ऐश्वर्य है। अगर वैकुंठ में जाके चार प्रकार की मुक्ति लेंगे तो कोई बात नहीं, वो मिलेगी सुख ऐश्वर्य उत्तरा प्रेम सेवा ऐश्वर्य उत्तरा, वो भी मिल जाएगी। उसके ऊपर भी जाना पड़ेगा, वैकुंठ से काम नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कहा वैकुंठ आदि जो लीला नहीं प्रचार शेषी लीला करे बजाते मोर चमत्कार। वैकुंठ आदि में जो लीला नहीं है उस लीला का मैं प्रचार करूंगा जिससे मुझे भी चमत्कार होगा लोगों को चमत्कार होगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने जो इसके अंदर में क्लेशग्नि शुभधा ये तो साधन भक्ति के द्वारा प्राप्त होगी। साधन भक्ति में क्या होगी, क्लेशग्नि दूर हो जाएगी, क्लेश जितने हैं उसके बाद में सब शुभ उदय हो जाएंगे, ये तो साधन भक्ति में होगा। उसके बाद में क्या है, साधारानंद विशेषात्मा मगो मोक्ष मोक्ष लघु कृताम सुदुर्लभा, ये भाव भक्ति में होगा। और प्रेमा भक्ति में क्या होगा, साधन भक्ति भाव भक्ति, साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में जाकर के साधारानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षिणी च, ये रूप गोस्वामी इसका क्रम दिखाया, क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघु कृताम सुदुर्लभा साधारानंद विशेषात्मा
श्री कृष्ण आकर्षिणी च, ये जब होगा, जब पाप दूर हो जाएगी, जितने प्रमाण में पाप दूर होगा उतनी प्रमाण में भक्ति आएगी, उतनी प्रमाण में गुरु वैष्णव में हमारा रति अनुराग होगा, नहीं तो नहीं होगा। जावत पापेस्तुहृदयम तावतेव न शास्त्रे सत्य बुद्धि, शास्त्र में हमारी सत्य बुद्धि नहीं होगी न सदबुद्धि गुरुदेव में होगी। बैठे रहेंगे 84 लाख में घूमते रहोगे, उसके ऊपर जाने का उपाय नहीं। वैसे एकम सुखम, अरे ब्रह्मानंद पाने की तो बात दूर है, उसके ऊपर के जो प्रेमानंद है वो कहाँ मिलेगा। इसलिए रूप गोस्वामी ने इसके अंदर ये भक्ति के 6 भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है, ये रूप गोस्वामी ने भक्ति रसम सिंधु में दिखाया। इसलिए रूप गोस्वामी की जो हमारी कृपा है उन्हें फिर उज्ज्वल मिलने में, वो तो पार किया भावी जहाँ ब्रजते प्रचार, उस भाव को देने के लिए ब्रज की लीला, ब्रज का जो माधुर्य भाव है और जो पारकीय भाव है, वो रूप गोस्वामी ने ब्रज का रस दिया, वो तो और भी ऊंची बात है। इसलिए रूप गोस्वामी के ऊपर हमारी ऐसी कृपा है, हमारे गुरुदेव ने कृपा से हम लोग थोड़ा बहुत कुछ समझ सके, जान सके। ये रूप गोस्वामी, ये रूप सनातन गौड़ीय मठ में गुरुदेव कृपा से इस साल उनका जन्म शताब्दी महोत्सव भी चल रहा है, ये दोनों कृपाएँ हमें ऊपर बरसती रहें, गुरुदेव हमारे पर कृपा करें। यही रूप गोस्वामी की में उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। वंशा गल्पतुर्भ्य कृपा सिंधु प्रभु। अब आइए परमेश्वरी प्रभु, आप लोगों ने ये जो रूप गोस्वामी के जो साहित्य है, जैसे श्रीमद् भागवत में 1 से 9 तक संबंध ज्ञान, दशम स्कंध प्रयोजन तत्व, एकादश द्वादश अभिजय तत्व, ऐसे रूप गोस्वामी साहित्य में कौन सा संबंध तत्व, कौन सा अभिजय तत्व, कौन सा प्रयोजन तत्व, ये सब जब गुरुवार की थी 20 तारीख को सुबह 10 से 12 जब क्लास है उसमें बताएंगे, जो जो गुरु जी जो बताते थे सब बताऊंगा आप लोगों को। परमेश्वर जी अज्ञान निवारण नष्ट तस्मै श्री गुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तन्नाभये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 ज्ञापन करता हूँ। तो आज हम प्रातः काल से श्रवण कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा। ये प्रातः काल कह रहे सुना श्रवण किया हमने कि हम रूपानु गौड़ीय वैष्णव हैं, ये कहते गर्व की अनुभूति होती है। इस रूपानु शब्द में ऐसा क्या छिपा हुआ है कि हमें गर्व की अनुभूति होती है, ऐसी क्या महिमा है इसकी? तो उस पर पहले रूप गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी हैं, जो ब्रज की लीला में ऋषि रूप मंजरी हैं, उनकी भूमिका विषय में हम पीछे जाते हैं। यह रसामी सिंधु में वर्णन किया गया है, रागात्मिका भक्ति उसके अनुगत में रागानुगा भक्ति, इष्टे स्वारस्य के राग परमनिष्ठा भवे तन्मय भगवत भक्ति से रागात्मिकोदिता। ब्रजवासियों के हृदय में, ब्रज में जैसे 4 रस हैं, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, इन चारों को रागात्मिक जन कहते हैं। दास्य रस के रागात्मिक, सख्य राग रस के रागात्मिक, वात्सल्य रस के रागात्मिक और मधुर रस के रागात्मिक, जिनके आत्मा में राग बसा हुआ है, तासाम अनुष्ठिता या रागो रागानुगोदिता। ब्रजवासियों के हृदय में, इन जो रागात्मिक जन के हृदय में जो भक्ति विराजमान रहती है, जिसे हम रागात्मिका भक्ति कहते हैं,
उस भक्ति का जो अनुगमन करते हैं उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति, और जो अनुगमन करने वाले हैं उन्हें कहते हैं रागानुगुजन। फिर रागात्मिक भक्ति दो विभाग बताए जाते हैं, एक कामात्मिका और एक संबंधात्मिका। संबंधात्मिका में सखा, दास, माता पिता इत्यादि, और कामात्मिका में ब्रज गोपियाँ। अब जो साधक के क्षेत्र में जो रागा जो कामात्मिक जन हैं उनके जो अनुगत्य कर उसे कहते हैं कामानुग, जो संबंधात्मिक जन हैं उनका जो अनुगत्य कर उसे कहते हैं संबंधानुग। फिर जो कामानुग जन है, कामानुगा भक्ति है, दो प्रकार की बताई जाती है, एक संभोग इच्छामय, दूसरी तत्त्व भाव इच्छामय। संभोग इच्छामय में जो स्वयं कृष्ण से मिलना चाहती हैं ब्रज गोपियाँ, जो युधिश्वरियाँ, और जो तत्त्व भाव इच्छामय होती हैं, ये होती इन्हें मंजरे गए। तो इस तरह लीला जो कृष्ण लीला में चार पात्र देखे जाते हैं, कृष्ण, राधिका जी, सखियाँ और मंजरे। यदि मंजरे भी सखियाँ ही हैं, नित्य सखी, प्राण सखी भी सखियाँ ही हैं, होने पर भी सखियाँ बता रहे थे महाराज जी अभी, दो प्रकार की असम स्नेह और सम स्नेह। असम स्नेह दो प्रकार की होती है, एक कृष्ण एक कृष्णे समय स्नेहादि का, दूसरी सखी स्नेहादि का। तब कुछ सखियाँ ऐसी हैं जिनका स्नेह कृष्ण में अधिक है, राधिका जी में कम है। कुछ ऐसी हैं जिनका राधा जी में स्नेह अधिक है, कृष्ण में कम है। अब इनमें जो दूसरी वाली हैं राधा स्नेह अधिका, इनको ही मंजिल कहा जाता है, ये नित्य सखी प्राण सखी कहलाती है। तो इस तरह देखा जाता है कृष्ण, राधिका जी, सखी और मंजिल चार पात्र हैं ब्रजरस में, मधुर रस में। और इनमें वैशिष्ट्य क्या है, कृष्ण का जो वैशिष्ट किसके अनुसार होता है, आस्वाद के अनुसार, जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, वैशिष्ट्य क्या है इसमें, वैशिष्ट्य आस्वादन का वैशिष्ट्य होता है, उसके अनुसार हम श्रेष्ठ और श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। कृष्ण का भी एक आनंद है जो अनुभव करते हैं, राधिका जी का एक आनंद है वो अनुभव करती हैं, सखियों का एक आनंद है वो अनुभव करती हैं, और ब्रह्मण जो मंजरी है वो उनका आनंद वो अनुभव करती हैं। यह अभी महाराज ने कहा, श्री महाराज ने कहा था, ये व्रत की ये परमार्थ की विशेषता होती है, जो 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 नीचे उतरते जाते हैं वो रस और शक्ति बढ़ती ही चली जाती है, कम नहीं होती। जगत में क्या होता है, जो जो नीचे उतरते हैं ना, धीरे 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 शक्ति का मनुष्य शुरू हो जाती है। कृष्ण का एक आस्वादन है, परंतु कृष्ण को भी लालसा हो जाती है राधे जी के आस्वादन को देख करके, उसकी परिणति है गौरावतार। राधा या परिणाम हिस्सा महिमा कि दूसरों मदीय शौकिन से मद अनुभव होता। कृष्ण कह रहे हैं राधिका जी मुझे प्रेम करती है, उन्हें क्या आस्वादन होता है, मैं देख रहा हूँ कि मुझे भी आस्वादन होता है उनकी सेवा ग्रहण करके, पर मैं देख रहा हूँ कि उनका आस्वादन अधिक परिमाण में होता है, उनकी लालसा जग जाती है। तो सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण का आस्वादन की अपेक्षा राधा जी का आस्वादन कई गुणा अधिक है। अब राधा जी को ये तो आस्वादन का अनुभव है, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ मुझे क्या आनंद होता है, ये तो अनुभूति है। परंतु जो सखियाँ ललिता आदि सखियाँ जब राधा जी मिलाती हैं उन्हें तो सुख प्राप्त होता है, तो ये सुख की कोई और ही विशेषता है, इसका राधा जी का अनुभव नहीं हो सकता। अब सखियों के अनुगत्य में मंजरियाँ जब राधा कृष्ण की निवृत्त सेवा करती हैं उन्हें सखियों की आनंद होता है, इसकी अलग विशेषता है, तो इसका अनुभव सखियों नहीं हो सकता। जो हम श्रवण करते हैं स्वभक्ति श्रीयम जो देने के लिए आए थे, विचार करें तो महाप्रभु दे ही नहीं सकते, जिसको क्यों दे सकते हैं, महाप्रभु राधा के जी हैं और ये मंजरी भाव राधा जी का है ही नहीं, तो देंगे कैसे। इसलिए उन्होंने ये चीज़ जो देने के लिए आए थे रामानंद के द्वारा दिलाया नहीं, केवल दिया क्योंकि ये रूप मंजरी है, मंजरी जो जिसका जो भाव है वही भाव दे सकता है वो। इसलिए अब हम कहते हैं महाप्रभु उनको शक्ति संचार किया, ये ना समझ लें कि उनका भाव था ही नहीं,
ऐसा नहीं है, रूप मंजरी है। महर्षि महादेव कहते हैं वो ये ना समझ ले कहीं वो साधारण जीव थे, शक्ति ने यदि संचार कर दिया फिर तत्व ज्ञान हो गया, रूप मंजरी हो तो जो ये कहते हैं संचार कर दिया यूँ समझो, समझें हनुमान जी बड़ी शक्ति बराबर थी, बराबर शक्ति थी, परंतु कुछ भूले हुए थे। जामुन आदि ने उत्साह दिलाया, स्मरण हो गया, ये समझना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पर मामला ही से गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ये उनका स्वरूप भाव है, रूप मंजरी है वो, इसलिए ये जो भाव, इसलिए उन महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को ही चुना इस कार्य के लिए, क्योंकि वो स्वयं दे नहीं सकते इस चीज़ को। और यही मैं तो ये कहूँगा कि महाप्रभु की यदि सबसे बड़ी करुणा ही है, क्या करुणा है, उन्हें हमको रूप गोस्वामी को दान कर दिया। सबसे बड़ी करुणा यही है कि महाप्रभु जी ने ही रूप गोस्वामी प्रकाशित किया, फिर बाद में फिर गुरु गोस्वामी ने फिर महाप्रभु प्रकाशित किया, पर मूल ने प्रकाशित कौन किया? जैसे बता रहे पहले गुरु कृपा होती है कि भगवत कृपा होती है, क्या बोलते हैं हम लोग? पहले भगवत कृपा ही होती है, हरि कृपा बिना मिले नहीं संता। परंतु जब फिर संत के पास जाते हैं, बस भगवान के बस संत के पास पहुंचा देते हैं, बस खत्म, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर वही संत हमको भगवान की महिमा समझाते हैं। उसी प्रकार से स्वयं महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया? जगत में नियम होता है, जब तक हम किसी व्यक्ति महिमा नहीं जानते ना, उसी में श्रद्धा नहीं होती, नहीं होगी आदेश पालन नहीं कर पाते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा रूप गोस्वामी रूप दामोदर जी को, ये रूप मेरे भावों को जान कैसे गया? मैंने श्लोक बोला था ठीक है, उसे वैसे वैसे श्लोक कैसे बोल दिया? क्या बोले? आपने इन पर कृपा कर दी, और वहाँ पर बोले मैं तुम्हें कृपा कर रहा हूँ, शक्ति संचार कर रहा हूँ। ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो जिसे यदि हम किसी आदर्श बनाते हैं ना, आदर्श अपने जैसे व्यक्ति को बनाते हैं, कभी हमारे आदर्श कृष्ण अवतार में राम अवतार में इन्हें कल्याण क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो भगवत अवतार में थे। महाप्रभु नरबंधन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी उनको श्रद्धा बन जाए। इसलिए यदि जब सीधे सीधे रूप मंजर रूप में आ जाते रूप गोस्वामी, हमारा कल्याण नहीं कर पाते, इसलिए उनको ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे इनको मैं कृपा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद जी की जो महिमा है, महाप्रभु ने ही उनका प्रकाशित किया, सबसे बड़ी करुणा उनके पर है कि उन्होंने हमें रूप पाद जी को दान किया, और तब उनके माध्यम से हम जान पाए रूप गोस्वामी। रूप शब्द का तो बता रहे थे, रूपयति जो निरूपण करते हैं, अरूपयत महाप्रभु स्वरूपम, महाप्रभु कौन है? अभी भी वर्तमान जगत में भी मुट्ठी भर वैष्णव गौड़ी वैष्णव छोड़ करके महाप्रभु भगवान मानने को राजी नहीं है। बड़े बड़े वैष्णव आचार्य भी, और बात छोड़ दो, मूर्खी बात छोड़ दो, भगवान भगवान वो मानना नहीं चाहते, केवल संत मानते हैं। तो स्वयं रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी को प्रकाशित किया, उनके स्वरूप को बताया अनर्पित चरम चिराद इत्यादि के द्वारा, पर श्रवण किया हमने। महाप्रभु ने तैथी विप्र को दर्शन दिया, मना कर दे खबरदार फिर बताना नहीं, दर्शन दिया भट्टाचार्य को खबरदार बताना नहीं, सबको मना कर दिया। यहाँ तक कि राय रमन जी को दर्शन दिया रसराज महाभाव स्वरूप में, उनको भी मना कर दिया बताना नहीं। जब रूप गोस्वामी पाद जी ने बोला तो क्यों? इसका एक अर्थ एक कारण ये भी है, निजाभि रूपम, ये है कौन? गोस्वामी कौन है? श्री महाप्रभु का अपना स्वरूप है, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता इसको। तो महाप्रभु कैसे प्रसन्न होंगे, क्या उनके भाव हैं, इन्हें महाप्रभु ही जानते हैं, इसलिए उनके भावों को रूप गोस्वामी पर जानते हैं। इसलिए उन्होंने महाप्रभु के आदेशानुसार महाप्रभु प्रकाशित किया। अब जब महाराज बता रहे थे रसामृत सिंधु में नाम तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, धाम तत्व, जितने तत्व होते हैं सबको रूप अरूप या निरूपण क्या रूप हम बाजी ने, यदि वो हम यदि जगत में नहीं आते ना, भक्ति किसे कहते हैं? हम इसमें अभी इसमें उलझन में पड़े रहते। अभी श्लोक बोला नरसिंह महाराज ने अन्याभिलाष शून्यम, ये भक्ति की टॉप सबसे उन्नत व्याख्या है, इससे पहली व्याख्या हुई है भागवत में हुआ है, स्वयं पुरुषां परो धर्म है, सूरज बिहेता शास्त्र नारद में हुआ है, अनेक अनेक परिभाषाएं भक्ति की हुई है। इन्होंने क्यों लिखा?
उन व्याख्या उन भक्ति की परिभाषाओं में कहीं की कमी है। यदि आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पूछूं जो बहुत उन्नत नहीं हो, बताओ नारद श्रेष्ठ प्रहलाद जी श्रेष्ठ हैं कि पांडव श्रेष्ठ हैं, ये बोल दूँ और साथ ही बोलूँ प्रहलाद जी के ऊपर जानलेवा विपत्ति आई, कभी बुलाया नहीं, और द्रौपदी ने दो दो बार बुलाया और सीधा उत्तर देगा प्रहलाद श्रेष्ठ। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के ऊपर जानलेवा विपत्ति आई कि बुलाया नहीं, और द्रौपदी बुलाया क्या राखो शरण अब तो जीवन हारी बुलाया, जंगल में तो बुलाया, अब लग भी ऐसे ही रहा। ये जो पहला श्लोक है ना गीता भागवत का श्री पुरुषोत्तम प्रोधर्म, इन श्लोकों के अनुसार तो प्रहलाद श्रेष्ठ हो जाते हैं, परंतु इस श्लोक में केवल एक शब्द डाल दिया रुद्रपाद जी, क्या है अन्याभिलाषिता शून्यम, इस शब्द ने केवल एक शब्द ने प्रहलाद को कहाँ नीचे पहुँचा दिया और द्रौपदी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त हैं और पांडव प्रेम पर भक्त हैं, शुद्ध भक्त ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेम पर भक्त, इतना डिफरेंस है। तो जो अन्याभिलाषिता एक शोर डाल दिया अन्याभिलाषिता शून्यम, बस इसे सिद्ध कर देता है। यद्यपि द्रौपदी ने कुछ मांगा, वो मांगना दूसरों ने भूषण हो जाता है, जिसे हमें बहुत प्रेम होता है जब कष्ट पड़ता है ना उसका नाम आना चाहिए, आना है आता है तो प्रेम है, नहीं तो प्रेम नहीं है। यदि हमें प्रेम से होता है कष्ट पड़ता है ऑटोमेटिक हमारे मन से सीढ़ी उतर रहे हैं, सीढ़ी से पैर फिसला, लड़के क्या बोलते हैं उई माँ ऑटोमेटिक, और लड़के बोलते हैं उई बाबा रे, ये तो बोलते स्वाभाविक है उई माँ उई बाबा, तो शुद्ध हो गया प्रेम कहाँ पर है, हे राधे निकल जाए। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं द्रौपदी जो विपत्तियां पड़ी तो उन्होंने पुकारा, तो इसमें ये भक्ति का बाधक नहीं, उनका भूषण बन गया, ये भूषण बन जाता है। परंतु इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक मैं एक दिन परिक्रमा कर रहा था एक स्वामी आश्रम में, बगल में एक आश्रम में कोई वक्त पाठ कर रहा था, ये श्लोक बोल वहाँ वो ये श्लोक बोल रहा था। तो जहाँ भक्ति की व्याख्या हो शुद्ध वैष्णव करें, ये श्लोक ना बोले काम चलेगा ही नहीं। यही विशेषता है रूहबा जी हमारे ऊपर, उन्हें एक तो सुंदर रूप में प्रति तत्व को हम मैंने स्थापित किया है। तो हमारे परम सौभाग्य है कि हम उस धारा में आए हैं, विशेष रूप से हैं इस तिथि को हम मना रहे हैं श्री महाराज जी के अनुगत्य में, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम उनसे प्रार्थना करता हूँ और मुझ पर कृपा करें, विशेष मुझ पर कृपा करें कि वैष्णव के प्रति मेरे कोई दोष बुद्धि ना रहे, क्योंकि वैष्णव भी हमारे सब कुछ हैं, क्योंकि प्रथम अंग श्रवणम है, बस श्रवण करने साधु संग चाहिए और साधु संग साधु सर्वशास्त्र कहे भाई, वही कृपा करें साधु के प्रति मेरी कोई दुर्बुद्धि ना हो जाए, व्यस ना हो जाए, यदि साधु के प्रति साधन भक्ति श्रद्धा हो गई सब काम अपने आप हो ही जाएगा, ये कहते हैं अपने उनकी श्रद्धा अर्पण करता हूँ वांछा करके। हरे कृष्ण भेजो, हमारे जो परमेश्वरी प्रभु अभी जो कथा कर रहे थे कि प्रभु जी ये रूप सनातन भट्ट का एक रत्न है, एक बहुत बड़ी रत्न है। जैसे हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास में एक महीना कोई पढ़े ना वो इतना विद्वान बना देते थे जो सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर सचमुच से इनको पास में रूप सनातन गौड़िया मठ में एक साल कोई रह जाए आप सोच नहीं सकते इनकी कृपा से इतना बड़ा विद्वान बन जाते हैं। बहुत बड़ी इन्होंने रोज रोज अपना बच्चों को यहाँ पर किया, मैं एक घंटा बैठ कर हरिनाम करना पड़ेगा, सबको कथा में सुनना पड़ेगा, रोज रोज श्लोक बोलना पड़ेगा, उत्तम प्रभु आ जाओ श्लोक बोलना पड़ेगा, फिर उन्होंने अंताक्षरी का कंपटीशन करते हैं, आप जो श्लोक बोलेंगे जो अंतिम अक्षर रहेगा उसको दूसरे को, मतलब प्रभु जी ऐसे ट्रेंड करते हैं बच्चों को, ऐसे एक साल कोई यहाँ पर रह जाए ना आप सोच नहीं सकते, सारी गौड़ियों वैष्णव का सिद्धांत भी है पूरा भी प्रभु तो घोट घोट कर पिला देते हैं, इसलिए ये हमारे रूप सनातन वर्ण का प्रभु जी एक विशेष विशेष ये जाएगा नहीं। हरे कृष्णा, अब मैं उत्तम प्रभु से अनुरोध करता हूँ रूप गोस्वाई पाद के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। अभी हमारे श्रीधर महाराज जी
परमेश्वर प्रभु के बारे में बता रहे थे। मैं चाहता था इट मिस मठ के ब्रह्मचारी को हरि कथा बोलने के बुलाऊं, इधर नाम नहीं है, एक कारण है। दूसरे कारण मेरा देखो तो ये नेक्स्ट जनरेशन को बुला रहे हैं, दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि जो लोग मठवासी नहीं है उन लोगों को सब नाम दे रहे हैं, जो इनके बारे में तुम आप लोग इतने बता रहे हैं उनके ज़्यादा ट्रेंड है, उनको भी अगले साल से सुजोग देना पड़ेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये सवेरे जैसे कि शाम को ही कथा हो रही है, सवेरे हमारे जितने मंदिर के ब्रह्मचारी सवेरे जैसे हम लोग हरी कथा होती है, हम सारे जिन लोगों का नाम ये ब्रह्मचारी का नहीं, आप आग्रह सुनना कि परमेश्वर प्रभु क्या एक एक रत्न बनाए। अगर कोई समझना चाहते हो आप आकर सवेरे देखना क्या सुंदर सुंदर हरी कथा यहाँ के ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं। सवेरे ये सबके सब हरी कथा बोलेंगे, हम लोग सवेरे जरूर कथा के आप आए। और कल भी रूप गोस्वामी का तिथि है, कल तो शाम कथा होंगे, परसों से गुरुदेव का स्ट्रीमिंग चला दो। सवेरे 9 से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक। और बलदेव पूर्णिमा का तिथि सवेरे में ही मंगल आरती के बाद थोड़ी कीर्तन करके हम फिर फिर प्यारे गुरु जी की वैशिष्ट श्री बलदेव प्रभु का वैशिष्ट भी हम लोग उस दिन श्रवण करेंगे। आप लोग कोशिश करना इसका लाभ उठाने के लिए। और जो लोग आए हैं दिल्ली से हैं, अगर ये गंगा में नहा लिया तो समझो पूरा पूरा के पूरा आप डुबकी लगा कर कृष्ण प्रेम में सराबर हो जाओगे। अब कोशिश करना नहीं जाने के लिए, अगर ये रस का आस्वादन करना चाहते हो भाई दिल्ली जाना नहीं, सब कह सब यहाँ प्रसाद की कोई चिंता नहीं, हम प्रसाद की सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन कोई जाना नहीं दिल्ली। श्रीनाम शिष्टम मनुमपि शचिपुत्रमद्रस्वरूपम रूपम तस्याग्रजम मुरपुरीम माथुरीम गोष्ठबाटीम राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासम प्राप्तो यस्य प्रथीत कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परम आराध्यतम परम करुणामय श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अशोक अभय चरणारविंद में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगो गौड़ीय गुरु परंपरा रूपानुगो गुरुवर्ग पूज्यपाद सभापति महोदय उपस्थित समस्त दंडिपादगण वैष्णववृंद मातृवृंद सभी के चरणों में अधम का दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज परम हर्ष का दिवस है। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री वृंदावन धाम के हृदय स्वरूप इस सेवा कुंज के अंतर्गत श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में हम रूप गोस्वामी के विरह तिथि का पालन कर रहे हैं। ये रूप गोस्वामी कौन हैं, उनका स्वरूप क्या है, जगत में किस लिए आए और जगतवासियों को उन्होंने क्या दे कर गए, ये समस्त विषय आज के आलोच्य विषय हैं। अभी अभी हमने पूर्ववर्ती वक्ता महोदयों से हमने श्रवण किया कि रूप गोस्वामी कौन हैं। श्री रूप मंजरी हैं। गौर गणदस दीपिका में कवि कर्णपुर गोस्वामी ने उन्होंने लिखा है कि श्री रूप मंजरी ख्याता जासीद वृंदावने पुरा
साध्य रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटिताम यत, कि ब्रज लीला में जो रूप मंजरी हैं वो इस गौर लीला में रूप गोस्वामी के रूप में धरती तल पर प्रकट हुए हैं। रूप मंजरी राधा रानी के मंजरियों में से अन्यतमा है। हमने भी श्रवण किया विभिन्न प्रकार के मंजरियों में से रूप मंजरी के जो प्राधान्य हैं, और वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में गौर लीला में आकर हमको उस ब्रज लीला की जो अत्यंत निगूढ़ निवृत्त निकुंज सेवा की जो शिक्षा उन्होंने जगत जीवों को प्रदान किया। और भी हमने श्रवण किया कि जैसे चैतन्य महाप्रभु इस जगत में नहीं आते तो हम वृंदावन धाम और विशेष करके राधा कृष्ण की जो उन्नत उज्ज्वल पारकीय रसमय लीलाओं को हम कभी स्वप्न में भी चिंता नहीं कर पाते। महाप्रभु जी ने आकर इन सभी तत्वों को प्रकट किया। हमारे प्रभुदानंद सरस्वती पाद ने उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने परम करुणा करके प्रेम नाम नाम अद्भुत अर्थम कस्य नामना महिमना को वेत्ता को वा जानाति राधा परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा एक चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वम आविष्यकार। ठीक उसी प्रकार अगर इस रूप गोस्वामी नहीं आते तो हम ये वृंदावन धाम क्या है, राधा रानी का स्वरूप क्या है, कृष्ण का स्वरूप क्या है, चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप क्या है, शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है और विद्या भक्ति का स्वरूप क्या है, साधन भक्ति का स्वरूप क्या है, भाव भक्ति का स्वरूप क्या है, प्रेम भक्ति का स्वरूप क्या है, इन समस्त तत्वों को शायद हम ठीक ठीक जान नहीं पाते। कुछ साल पहले इसी प्रसंग को इसी रूप गोस्वामी के विरह सभा में हमने आलोचना किया था, तो उस समय कुछ भक्तों ने इस पर प्रश्न किया था कि रूप गोस्वामी कैसे महाप्रभु जी को प्रकट कर सकते हैं, वह उनको प्रकाश कर सकते हैं, साक्षात महाप्रभु तो साक्षात भगवान हैं। परंतु वास्तव उसका जो तात्पर्य था चैतन्य महाप्रभु जी के महिमा को जगत में प्रकट करना, जो कार्य रूप गोस्वामी ने किया, राधा गोविंद के लीलाओं को उनकी महिमाओं को उनके वैशिष्ट को जगत में प्रकट करना। राधा कृष्ण तो नित्य हैं, उनकी लीलाएं भी नित्य हैं, उनके नाम भी नित्य हैं, उनके धाम भी नित्य हैं, उनके प्रेम भी नित्य हैं। और तो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए हमारे बद्ध जीवों के हृदय में उस लीलाओं को प्रकट करना ही ये विशेष रूप गोस्वामी का वैशिष्ट्य है। रूप गोस्वामी ने आकर के चैतन्य महाप्रभु जी के स्वरूप को जगत में बताया। अभी हम पूर्ववर्ती महोदय से सुन रहे थे, यद्यपि महाप्रभु जी का स्वरूप को सबको पता था, उन्होंने पहले ही सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया था, तैर्थिक विप्र को भी दिखाया था, रामानंदक जी को भी दिखाया था, परंतु रूप गोस्वामी ने उनको सर्वसम्मुख में उन्होंने स्पष्ट रूप में व्यक्त किया, उनके तत्व को व्यक्त किया और उनके अद्भुत रूप को भी व्यक्त किया। महाप्रभु जी का जो अद्भुत रूप, उनका जो अद्भुत उनका स्वरूप, रूप गोस्वामी ने ही अद्भुत रूप में उसको वर्णन किया, उनका वर्णन की क्या लालित्य है। यद्यपि और सारे महाप्रभु जी के पार्षद हैं, सभी महाप्रभु जी के प्रिय हैं, परंतु रूप गोस्वामी का एक अलग एक वैशिष्ट्य रहा है। उन्होंने महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को जान करके चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले, महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप को रूप गोस्वामी ने लिखा है उनका क्या अद्भुत रूप था। कहते हैं मृगांक मधुरा नन स्फुरद अनिद्र पद में क्षण स्मित स्तबक सुंदर दाधर विसंकट उर तट भुजोद्धत भुजंगम प्रभ मनोज कोटि द्युते, मुकुंद सचैतन्य प्रभु मुकुंद मंदे कृपाम। हे रूप गोस्वामी कहते हैं हे मुकुंद आप मुझ जैसे अधम पर कृपा कीजिए, आपका ऐसा जो अद्भुत रूप है
मृगांक मधुरारण स्फुरद अनिद्र पद में क्षण रूप, चैतन्य महाप्रभु जी के रूप को सभी देखा है परंतु रूप गोस्वामी जैसे देखना, उनके दृष्टिकोण से देखना देखना और उनकी जो भावों के अनुसार देखना, महाप्रभु जी को देखना, महाप्रभु जी को उनके भावों के रूप गोस्वामी जो जिस भाव से उनको दर्शन किया, ये बहुत मुख्य वस्तु हैं जो कृपा करके इस जगत में हमको प्रदान किया। फिर महाप्रभु जी के जो अद्भुत गुण हैं, महाप्रभु जी गुणों के सागर साक्षात कृष्ण हैं, परंतु गौर लीला में गौर स्वरूप में उनका गुणों का और अधिक प्रकाश हुआ है। कृष्ण लीला में उन्होंने बहुत जीवों पर कृपा की हैं, बहुत पतितों को, राक्षसों को, असुरों को उद्धार किया है, पुतना को, अघासुर, बकासुर आदि जितने सारे कंस, जरासंध आदि असुरों को, परंतु उनमें कृष्ण का जो वैशिष्ट्य व्यक्त नहीं हुआ है चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में, और वो अधिक रूप में व्यक्त हुआ है। कृष्ण ने उन सभी को मार करके उनको गति मुक्ति दी है, परंतु इधर महाप्रभु जी ने किसी को बिना मारे उनको मुक्ति से भी और अधिक उन्नतम जो स्थिति प्रेम प्रदान किया है। ये उनके वैशिष्ट्य, उनके गुण हैं, और इसको रूप गोस्वामी ने ही जगत को हमको दिखाया, जिसको सुन करके जीव का हृदय में एक लोभ उत्पन्न, हाँ हमारा भी एक दिन उद्धार हो सकता है। रूप गोस्वामी ने लिखा कि अहं कनक केतक कुसुम गौर दुष्ट खितौ न दोष लव दर्शिता विविध दोष पूर्ण पिते इति प्रबणयाध्या कृपण वत्सल त्वं भजे सचिसुत मयि प्रभु कुरु मुकुंद मंडी कृपा। रूप गोस्वामी ने लिखा कि भगवान कृष्ण कौन है, भक्त वत्सल हैं। भगवान के जितने नाम हैं, भक्त वत्सल नाम सबसे मुख्य नाम है, अर्थात भक्तों के प्रति इनका वात्सल्य भाव इतने अधिक है, भक्तों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भक्तों के दास बन जाते हैं, अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, द्रौपदी के पास प्रकट हो जाते हैं, भक्तों के झूठन भी खा लेते हैं, ये उनकी भक्त वात्सल्यता है। परंतु रूप गोस्वामी ने जिस दृष्टि से देखा भगवान को, वहां पर उन्होंने वर्णन किया ये भगवान सिर्फ भक्त वत्सल नहीं है, ये कृपण वत्सल, अभक्त वत्सल भी है। कृपण अर्थात जो भगवान का भजन नहीं करता, जो ब्राह्मण है, जो शास्त्र कहते हैं जो वा एतद अक्षर गार्गी विदित्वा तस्मात लोकात प्रति स ब्राह्मण, जो वा एतद अक्षर गार्गी अविदित्वा तस्मात लोकात प्रति स कृपण, ता जो भगवत तत्व अनभिज्ञ व्यक्ति है, जो भगवत संबंध ज्ञान नहीं रखता, भगवान का भजन नहीं करता, वो कृपण व्यक्ति है अर्थात अभक्त है। और महाप्रभु जी ऐसे अभक्त भी वत्सल हैं, अर्थात जो उनका भजन नहीं करता उनको भी प्रेम देते हैं। तो ये महाप्रभु जी के रूप गोस्वामी के वैशिष्ट्य हैं। उन्होंने भगवान की कैसे निगूढ़तम प्रदेश में प्रवेश करके उनके इन गुणों को जगत में दिखाया। इति प्रबणयाध्या कृपण वत्सल त्वं भजे सचिसुत मयि प्रभु मुकुंद मंडी कृपा। ठीक उसी प्रकार उन्होंने कृष्ण का स्वरूप को, कि अद्भुत रूपों को उन्होंने वर्णन किया है। स्मेरा भंगी त्रय परिचिता साची विस्तीर्ण दृष्टि वंशी निस्ताधर कुशलया मुज्ज्वल चंद्र केन माँ प्रतिष्ठा सखी स्तव बंधु संग अस्थिरंग। कि जो गोविंद देव जी का जो विग्रह है, हे भाइयों, अगर आपको अपने बंधु परिजन परिवारजनों से प्रीति रखना है, उनके साथ हास्य परिहास आदि संबंध रखना है, तो वृंदावन में मत जाओ। और वृंदावन में भी गए तो किसी तीर्थ में मत जाओ, किसी घाट, और किसी घाट में भी चले गए गलती से तो किसी घाट के पास जो गोविंद देव जी के मंदिर है उस मंदिर में मत जाओ, और अगर मंदिर में भी चले गए तो उस गोविंद रूपी जो ठाकुर जी हैं उनकी ओर मत देखो। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि बंधु संगे जदि तब रंग परिहास थके अभिलाष, थके अभिलाष तबे मोर कथा राखो जेवना को जेवना को मथुरा है केसी तीर्थ घाटे रे सकाश गोविंद विग्रह धरी तथा आचेन हरि नयने बंकिम दृष्टि मुखे मंद हास किवा त्रिभंग मठाम वर्ण समुज्ज्वल साम नव किशल शोभाश्रियंग प्रकाश। है ना, कि अद्भुत उनकी प्रकाश हैं, उनका क्या रूप है,
और ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का की जो स्वरूप है, उनका जो क्या रूप है, जिसको कृष्ण भी वर्णन करना कृष्ण के लिए भी संभव नहीं, उसको रूप गोस्वामी ने, रूप मंजरी ने उन्होंने देखा और उसको वर्णन किया, जो कृष्ण के लिए भी दुरूह व्यापार है। कृष्ण ने राधा रानी के सौंदर्य को आस्वादन तो करते हैं, परंतु सौंदर्य को जो बनाते हैं, जो सौंदर्य को उसी विभिन्न भावों के द्वारा जो सौंदर्य को बढ़ाते हैं, पुष्ट करते हैं, ये मंजरियां हैं और उनमें से प्रमुख श्री रूप मंजरी हैं। श्री इस विषय में रूप गोस्वामी ने अपनी चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ में राधा रानी के जो अद्भुत रूपों का, जो गुणों का वर्णन किया है। अभी हमारे राष्ट्रपति पौज ने एक ग्रंथ दिया चाटू पुष्पांजलि, उस ग्रंथ में उन्होंने क्या अद्भुत वर्णन किया है राधा रानी का। नव गुरोचना गौरीम प्रवरेन्दी वराम वराम मणिस्तवक विद्युति वेणी व्यालंगना फणाम उपमान घटामान प्रहारी मुखमंडलाम नवेंदु निंदी भालोद्यत कस्तूरी तिलक श्रियाम भ्रूजित अनंग कोदंडाम लोल नील अलकावलिम कज्जोल ज्वलत राजन कस्तूरी तिलकाज्वलम। मानी इसमें 24 जो श्लोकों के माध्यम से राधा रानी के जो अद्भुत रूप, उनके माधुरी का वर्णन वो अद्वितीय हैं। ये रूप गोस्वामी के वैशिष्ट्य हैं। इस तत्व को उन्होंने प्रकाशित किया, जगत को दिखाया। अगर ऐसे रूप गोस्वामी नहीं आते तो आज शायद हम इन सारे जो आज कहते हैं कि हम रूपानुगो कह करके गर्व अनुभव करते हैं, ये तो उनके एक पक्ष रहा, परंतु दूसरे पक्ष उनकी शिक्षाओं के जो हैं, वास्तव इन सारे जो उन्होंने प्रकाशित किया, जो रस को वर्षण किया, उसको आस्वादन करने के लिए जो योग्यता, वो योग्यता को उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दिया, और वही व्यक्ति 2 मिनट बस कहते हैं वही व्यक्ति रूपानुगो कह करके गर्व अनुभव कर सकता है जो रूप गोस्वामी के शिक्षाओं में प्रतिष्ठित है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, गोरा रामी बोली ले नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार लोले फल फले। ठीक उसी प्रकार हम रूप गोस्वामी के हैं, रूपानुगो हैं, रूपानुगो हैं, एक जन्म नहीं कोटि जन्म कहने पर भी हम रूप गोस्वामी के एक ही भाव को आस्वाद नहीं कर सकते जब तक हम उनकी शिक्षाओं में अपने को प्रतिष्ठित नहीं करें। रूप गोस्वामी के आचार को विचार को अगर हम हृदय में धारण नहीं किया, सिर्फ मुंह में हम रूपानुगो हैं और रूप गोस्वामी की तिथि को बड़े जोर से पालन कर रहे हैं, हजार जन्म कोटि जन्म करने पर भी हम रूपानुगो गर्व अनुभव नहीं कर सकते, हृदय में उसका एक भी जो आस्वादन नहीं होगा रूपानुगत्व का। इसलिए रूप गोस्वामी ने हमको वो समस्त सोपान प्रदान किए हैं, आदर श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया और उन शिक्षाओं में जो परम सार वस्तु हैं, अभी अन्य अभिलाषिता शून्य के रूप में, और उसका दूसरा जो शिक्षा है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय बरतते। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारी शिक्षा हैं और टाइम हो चुका है। अंत में श्री रूप गोस्वामी और उनके समस्त अनुगत जनों के चरणों की कृपा प्रार्थना करते कथा वहीं पर, एक किसी न किसी जन्म में श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करके अपने जीवन को मैं सफल कर सकूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। अब मैं श्री रामचंद्र प्रभु से अनुरोध करता हूँ रूप गोस्वामी पाद के श्री चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें।
सबसे ज्यादा रुकावट किसकी आती है मालूम है? वो है वैष्णव अपराध। लीला देख रहे हैं बड़े मजे से, कैसे कृष्ण ने एक डाली को अपने पैर से दबा के नीचे कर दिया और राधा जी उसको पकड़ के फूल तोड़ रही हैं, और फिर पैर हटा दिया तो राधा जी उस डाली में लटक गई, फिर नीचे उतर के आगे कृष्ण ही देख रहे हैं लटकी हुई राधा जी को। राधा जी कहते हैं उतारो मुझको, अब इसको देख के वो हंस पड़े। और एक खंज कृष्णदास लड़खड़ाता हुआ वहां पे आया, वो सोचता है कि मुझको देख के ये हंस रहे हैं मेरे लंगड़ेपन को देख के, चला गया गुस्से में चला गया। लीला दिखनी बंद हो गई, कहां खंज कृष्णदास, खुद गुरुदेव बोल रहे हैं कहां रूप गोस्वामी, उनकी कोई टक्कर नहीं है आपस में, उनके वैष्णव स्टेज की कोई टक्कर नहीं है। खंज कृष्णदास तो उनसे सीखने आया था, लेकिन अगर खंज कृष्णदास जैसे भक्त के चरणों में भी अपराध हो जाए और रूप गोस्वामी जैसे का भी अपराध हो जाए तो भैया मुझे बड़ी सेफ्टी मिल गई। इतने बड़े बड़े अगर आचार्य मेरे ऊपर अपराध करेंगे मुझे सेफ्टी मिल गई। मेरी बात समझ रहे क्या? सेफ्टी मिल गई कि उनको भी लीला दिखनी बंद हो जाएगी। खैर करके दिखलाया रूप गोस्वामी, फिर क्या करना पड़ा? निमंत्रण देना पड़ा। निमंत्रण देके सबको बुलाया, वो नहीं आया तो उनको खिलाया, निमंत्रण देके खिलाकर उनको प्रसन्न किया, फिर लीला शुरू हो गई। मतलब क्या इसका कि अगर हम ऊंची अवस्था में भी हैं और अगर किसी छोटे वैष्णव का भी अपराध कर देते हैं हमारी भक्ति पर उसको रिबाउंड पड़ेगा ही पड़ेगा। वैष्णव करके दिखलाया, अब गुरुदेव बतलाते हैं डेढ़ कदम में बैठे हैं और भैया आ रहे हैं, रूप गोस्वामी जी वहां रहते थे, भैया आ रहे हैं सनातन गोस्वामी, दिल में इच्छा हुई खीर बना के खीर खिलाऊं, कहां बनाऊं कहां कैसे खिलाऊं, इच्छा हुई खाली। अब रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी के साथ आपस में बात कर रहे हैं, दोनों भैया बात कर रहे हैं, बात किस पे कर रहे हैं? श्रीमद भागवत पे बात कर रहे हैं। किस स्तर की बात होगी? अब यहाँ गुरुदेव बतलाते हैं इनकी पर्सनल बात किस स्तर की होगी। इसकी राधा रानी खुद उतावली एक लड़की बन के आ गई। जन्मादि यस्य यथा, पहला श्लोक जन्मादि यस्य यथा। अब आदि पे उन्होंने गोल चक्कर लगा दिया। आदि का मतलब क्या है? साधारण मतलब है जिससे जन्म आदि होता है। आदि का मतलब हो गया कि जन्म मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, जिससे जन्म आदि होता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिससे जन्म होता है, किसका जन्म होता है? आदि का जन्म होता है। आदि क्या है? जिससे ऊपर कोई नहीं है, वो है आदि रस परकिया भाव, जिससे आदि रस का जन्म होता है वो असली सत्य है। सत्यम परम धीमहि, वो कौन है? वो राधा जी हैं। राधा जी जिससे आदि रस का जन्म होता है उसका हम ध्यान करेंगे, या दोनों ही मिलकर उस आदि रस को प्रकट करते हैं, कौन? राधा कृष्ण। उन दोनों का हम ध्यान करेंगे, ये चर्चा चलती है आदि। कैसे सुंदर रूप से गुरुदेव बता। फिर आगे बोले आदि कव्वे, भागवत बोली किसने? आदि कवि ने। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। कौन ब्रह्मा जी? जिनको चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। क्या है चतुर्श्लोकी में? कौन सा रस है? ब्रज रस है क्या उसमें? वो तो है नहीं, तो फिर कवि कौन हुए? आदि कव्वे। तो वो कवि जिसने आदि, आदि फिर वही वाला आदि, कौन सा आदि? जन्म आदि। आदि मतलब आदि रस। जिस कवि ने आदि रस की चर्चा की है वो वाला कवि, वो ब्रह्मा नहीं हो सकते, वो कौन होंगे? वो रूप गोस्वामी होंगे। वाह क्या बात है, वो रूप गोस्वामी होंगे। तो रूप गोस्वामी जी की स्थिति आदि कव्य ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ। रूप गोस्वामी जी की
स्थिति आदि कवि वेद व्यास जी से श्रेष्ठ। अब बोलो सुखदेव से क्या स्थिति लगाए हम, बोल रहे हैं सुखदेव के साथ क्या कंपेयर करें। पर सुखदेव तो राधा रानी के सुख हैं और रूप गोस्वामी रूप राधा रानी की मंजरी है, मुकाबला कर लो। तो आदि कव्य कौन होगा, सुखदेव भी नहीं होते हैं यहां, वो आदि कव्य हो गए कौन, वो हमारे रूप गोस्वामी जी आदि कव्य जिन्होंने इस मंजरी भाव को दिया। और आदि रस चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम ये ना भूतले, इस भूतल पे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मनो अभीष्ट की स्थापना की। तो चैतन्य महाप्रभु का मनो अभीष्ट क्या है, बड़ा सुंदर गुरुदेव ने बताया। राय रामानंद संवाद हुआ महाप्रभु जी का, उस संवाद में कहीं भी इस आदि रस की बात नहीं आई है, परकिया भाव की बात नहीं आई है। राधा जी की महिमा बताई, प्रेम की महिमा बताई, सब कुछ बताई, लेकिन आदि रस की बात नहीं आई है। ये आदि रस की चर्चा अगर कहीं की गई है तो वो किसने की है, वो रूप गोस्वामी जी ने की। तो महाप्रभु जी का स्वरूप दामोदर यानी ललिता सखी के साथ जो संग हुआ उसमें भी वो चीज नहीं आई। रूप महाप्रभु जी का विशाखा सखी यानी कि राय रामानंद जी के साथ भी जो वार्तालाप हुआ उसमें भी वो चीज नहीं आई जो चीज उन्होंने प्रयाग में रूप गोस्वामी जी के साथ कही है। और फिर कहा है कि मैं तुझे एक बिंदु चखा रहा हूँ और फिर पूरी में सबसे कृपा बटाई है। तो ये कृपा बटाई बहुत सुंदर बतला रहे थे हमारे परमेश्वरी प्रभु। वो कृपा क्या थी, और ये कृपा ये थी, वो कृपा ये थी कि उन्होंने इतना सुंदर राधा रानी की मंजरी भाव वाला भाव अपने हृदय में रखा है, उस भाव को किसी तरह से लिपिबद्ध करके हम जैसे पब्लिक को सप्लाई कर दिया जाए। इसलिए कहते हैं महाप्रभु जी ने हमको हमारे परमेश्वरी प्रभु की भाषा में रूप गोस्वामी को दान करके दे दिया। ये महाप्रभु जी का रूप गोस्वामी जी हमारे लिए क्या है, अवदान है, बहुत बड़े अवदान है। ऐसे रूप गोस्वामी जी जो अपनी शिक्षाओं से अपनी लीलाओं से हमको उस परकीय भाव में डालना चाहते हैं, आज नहीं तो कल हमारे अंदर लोभ का छींटा पुटा आ जाए, उनको महाप्रभु जी ने रस का बिंदु दिया और वही बिंदु उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु करके हमको दिया और उसी सिंधु को और आगे बढ़ाकर उज्ज्वल नीलमणि के रूप में हमको दिया। इतनी सारी चीजें दे रहे हो, अब हमको आप अपने साथ जोड़ लो, वो चीजें अपने आप मिल जाएंगी। पाइप से पाइप जोड़ लो, पूरा टैंक का पानी मिल जाएगा। क्या हम अलग अलग चीजों को जाने समझें करें, हमारे को आपकी कृपा चाहिए, कृपा से जोड़ दो। इंजन बहुत आगे होता है, सबसे पीछे वाला डिब्बा उसके साथ जुड़ा रहता है, तो वो रेलगाड़ी होता है, जहाँ इंजन जाएगा रेलगाड़ी चली जाएगी। अगर वो डिब्बा कट दिया है तो वो फिर वो रेलगाड़ी नहीं, वो डिब्बा ही रह जाता है। हम डिब्बे हैं इस समय, हे रूप गोस्वामी जी हमको आप अपने साथ जोड़कर रेलगाड़ी बना दीजिए। गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हमारे मध्य में श्री विष्णु महाराज उपस्थित हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ रूप गोस्वामी पाद के श्री चरणों में संक्षेप से संक्षेप में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री विष्णु महाराज। हरे कृष्ण गुरु में गौर चंद्राय राधिकाई तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले मैं परमात्म पति पावन भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ग्रहण करता श्री गुरुपाद प्रभु नित्य लीला विष्णु विष्णु भक्ति दई माधव गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि शस्त्र धन्यवाद प्रणाम करते हैं, उनके हरि तुझे की प्रार्थना करता हूँ।
ब्रजगोत्र भगवान चैतन्य महापुरुषोत्तम जय युक्त वृंदावन बिहारी श्री राधा गोविंद जी महाराज जय युक्त समुपस्थित सभापति महोदय मंच स्थित त्रिदंडी ज्योतिबिंद समागत समस्त वैष्णव जन भक्तमय मातृमंडली भक्तमंडली सभी के चरणों में मेरा असंख्य धन्यवाद प्रणाम सबके लिए प्रवर्तन करता। आज जगत गुरु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आचार्य श्री रघुस्वामी पाद जी की तिरुभाव तिथि और ये तिरुभाव तिथि इस रूप सनातन गौड़ीय मठ में प्रति वर्ष मनाया जाता है। वो भी नित्यलाल वैष्णव मिश्र माधव भक्ति वेदांत नारायण मां जी के कृपा से हम लोगों को सुनने को मिलता है और ये बहुत ही आकर्षणीय महोत्सव है क्योंकि यहाँ पर रघु गोस्वामी जी के बारे में हमें गहन से गहन अनुशीलन सुनने को मिलता है। तो इन सब प्रवचनों को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम लोग वृंदावन धाम दर्शन करने आते हैं। वृंदावन में वृंदावन नहीं है, भगवान का असली जो निवास है, भगवान का निकुंज मंदिर है, यदि है तो एकमात्र इन रघुस्वामी पाद जी के वैष्णवाचार्य के ग्रंथ में ही भगवान विराजमान है। यहाँ पर भगवान को ढूंढेंगे तो ढंग से मिलेगा और वृंदावन अपनी आंखों से ढूंढने जाएंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। वृंदावन के निकुंज मंदिर में जिस प्रकार से मंजरियों का सखियों का गुरुजनों के अनुगत में जाया जा सकता है, प्रवेश किया जा सकता है, इसी प्रकार से ये वैष्णव ग्रंथों में हमें वैष्णव संगति के वैष्णव जन इस निकुंज मंदिर के ग्रंथों मंदिर के है द्वारी है चौकीदार है, इसलिए वैष्णव संघ को बहुत ज़्यादा जरूरत है। वैष्णव संगति के बिना इन शास्त्रों का अध्ययन करने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। तो रघु गोस्वामी पाद जी की तिथि में आप लोग सुन ही रहे हैं, बहुत ही गहन से गहन अध्ययन सुन रहे हैं, मुझे तो इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी रघु गोस्वामी पाद जी के एक शब्द में वही दोहराऊंगा। रघु गोस्वामी पाद जी लघु भागवतामृत में भगवान के बड़े सुंदर 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 प्रकाश कर रहे हैं और वैकुंठ का वर्णन सुनाया, सब अवतारों का वर्णन सुनाया, भक्ति सिंधु वो तो भंडार है। भक्ति सिंधु में शुरू में कहते अखिल रसामृत मूर्ति प्रश्रीम और रुचिर तारका पाली कली तो श्यामा ललित राधा प्रियं विधुर जयति। भगवान कृष्ण कौन है? अखिल रसामृत मूर्ति है, समस्त प्रकार के रसों का मूर्तमान स्वरूप है। भगवान कृष्ण ही आनंदमय और वो आनंद अनेकों स्वरूप लेकर के 12 स्वरूपों में वो अपने को प्रकाश करता है और भगवान कृष्ण ये 12 प्रकार के रसों के द्वारा उपासित होते हैं। और ये जो ब्रज में ये 12 प्रकार के रसों से भगवान विलास करते हैं, सखाओं के साथ में वीर रस का आस्वादन करते हैं, हैं सभी प्रकार के रस भगवान कृष्ण आस्वादन करते रहते हैं भक्तों के साथ में। सीदामा बलभद्र और मंडली भद्र ये सब भगवान के सखा है, सखाओं के साथ में भगवान वीर रस का आस्वादन करते हैं और उसमें भगवान हर भी जाते हैं। सीदामा बहुत उत्साह से बोलते मैं ऐसा कर दूँ और करते भी, लड़ाई में भगवान कृष्ण लड़ते हरा भी देते। इस प्रकार से वीर रस का इस प्रकार से ये भक्त लोग के साथ में भगवान इन रसों का आस्वादन करते। मधुर रस का तो मूर्त
तो है ही, सभी चीज का भगवान मूर्ति में अखिल रसामृत मूर्ति रस रुचिरुद्ध तार का पाली, और जिससे महाराज को इतना विस्तार प्राप्त हुआ, इसमें तारका पालिका नामनी जो सखियां भगवान के चरणों में सदा के लिए भगवान के समर्पित है। कली तो श्यामा ललित, श्यामा सखी ललिता, ये सब भगवान कृष्ण के इन गुणों में आबद्ध हुए। और सबसे बड़ी बात है राधा प्रिया धूलि, भगवान कृष्ण राधा रानी का प्रिय है, प्रियतम है, राधा रानी का सर्वस्व है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अखिल सामर्थ्य मूर्ति, और इन अखिल सामर्थ्य मूर्ति भगवान कृष्ण के लिए आज रघुसाई पाद जी के कारण ही हम लोग को मिला है। अभी जैसे आप लोग सुन ही रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जी देने आए थे, उन्नत उज्जवल उसको देने आए, लेकिन आप अपने आम जगत को कृष्ण नाम दे गए और आप प्रेम आस्वादन कर गए, और रघु सही बात जी उन गोस्वामी जन उन सब चीजों को संरक्षित करके सदा के लिए सब लोग ले सके, उसके गोस्वामी जनों का सबसे बड़ा अवदान है, गोस्वामी जनों का सबसे बड़ा महत्व है इसमें। इसी प्रकार से रघु सही पाद जी इसमें सर्वोपरि है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी विश्राम करता हूँ। हरे कृष्ण। शायद आप लोगों को भूख लग गई, ताली जोर से क्यों नहीं बजाते हैं? हरे कृष्णा। मैं अब हमारे सभा के सभापति पूज्यपाद श्री भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज जी चरण निवेदन करता हूँ, रूप गोस्वामी चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री गोविंद महाराज जी। ए स्टैंड स्टैंड। ठीक है, दे दिया। हरी बोल, क्या करो? घुमाने से बात होता है। बस हरि बोल, हरे कृष्ण। दर्ज तो टूट गया है, सुनने का अवसर मिलेगा कि श्री रूप गोस्वामी की चर्चा हो रहा है। वक्ताओं ने रूप गोस्वामी कद्भुत की चर्चा करते उनके चरणारविंद में पुष्पांजलि प्रदान किया। कद्भुत चर्चा के माध्यम से हो सकते हैं, व्यक्तिगत चरित्र कीर्तन के माध्यम से पुष्पांजलि भी हो सकता है, किंतु व्यक्तित्व विषय को प्रकाश करने वाला जिनकी कृपा से आज रूप गोस्वामी गौड़ीय संप्रदाय के एक अन्यतम आचार्य रूप से प्रकट हुए है उनके कृपा को तारीफ करना तो उचित है। जिनकी कृपा से ऐसा सामान्य जीव का काम नहीं है, जीव का काम नहीं है, इसलिए चैतन्य चरितामृत में बारंबार बताया रूप गोस्वामी ने शिक्षा कराई शक्ति संचरिया कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांतों
सब छिकाइला प्रभु भागवत सिद्धांत रामानंद पाचे जत सिद्धांत सुनिला रूपे कृपा करिता सब संचरिला से रूप हृदय प्रभु शक्ति संचरिला सर्वतत्व निरूपिया प्रवीण करिला। इसका अर्थ तो क्या है? रूप गोस्वामी के लक्ष्य करके संसार में शिक्षा दिया है, जैसे पहले ही से दिया गया। ब्रह्मा जी सबसे बुद्धिमान थे, भगवान जब उपदेश किया ज्ञानं परम गुज्जंग में जद विज्ञान समन्वितम, तब उन्होंने वो पाकड़ने उसमें पाकड़ने के शक्ति नहीं थी। जब आशीर्वाद किया था तब उन्हें समत्व हुआ था। संस्कार भी बताती है एक कृष्ण तत्व जीव तत्व और रस तत्व और भक्ति तत्व, ये सबको आयत्त करने का शक्ति मनुष्य में नहीं है, केवल चैतन्य की कृपा से ही संभव है। तो उन्होंने किस प्रकार किया हम सुनते हैं, एक प्रकार दूसरा को दूसरा प्रकार बताती है, परंतु हम यह देखने चाहते हैं उनको जो कृष्ण तत्व को उपदेश किया वो कृष्ण तत्व का उद्गार स्वरूप है लघु भगवतामृतम। भक्ति तत्व का उद्गार स्वरूप है भक्ति रसामृत सिंधु, और रस तत्व का प्रांत जो प्रदर्शन किया है उसका उद्गार स्वरूप है उज्जवल नीलमणि ललित माधव विदग्ध माधव दान केली कौमदी, ये तीन नाटकों। इसके साथ स्तवमाला भी संयुक्त है, भक्ति रस के प्रांत को प्रकट किया। उनका नाम रूप क्यों दिया? पहले नाम था संतोष, बाद हुसैन शाह उनका नाम दिया दबीर खास, चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया रूप। तो रूप नाम का संदर्भ क्या होता है? हम देखते हैं चैतन्य के पास दो है, एक स्वरूप एक रूप। वो स्वरूप कौन है और वो रूप भी कौन है? जो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को बताने वाला ही रूप स्वरूप गोस्वामी के नाम से मूर्तिमान है। और चैतन्य महाप्रभु को रूपायित करने वाला जो है वो है रूप गोस्वामी। रूप पते प्रकाश सते इति जैन स्वरूप रूपायितं भुवि जैन श्री चैतन्य मनोगतम तेनो रूप इति लोके भन्नते भक्ति राशि कोई। ये संसार में जितना भक्ति रसिक लोग है ये बताते हैं कि जिन्होंने यो संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु का मनगत भाव को रूप प्रदान किया है, इस कारण उनका नाम दिया गया है रूप। कैसे उनके रूपाय किया? पहले मान लो दन्नो और वैराग्य रस, ये दोनों अपना चरित्र में रूपायित किया। देख लेना भागवत में जैसे दन्नो है और वैराग्य रस है, और रस का मूर्तिमान है रूप गोस्वामी। फिर भक्ति रस को, भक्ति को रस कोई नहीं बोला, पूर्वाचार्य ने कभी भक्ति को रस नहीं बोला, परंतु भक्ति को जो रस के रूप प्रदान किया है वह है, इसीलिए उनका नाम रूप है। फिर रस को जो मूर्तिमान किया लीला के माध्यम से वह है रूप गोस्वामी। रूप प्रदान किया है इसलिए उनका नाम रूप है।
प्रेम रस को जब प्रत्यक्ष करने की लिए एक सौभाग्य रूप प्रदान किया है, इसलिए उनका नाम है रूप। प्रेम को रूपायित किया है और कृष्ण को जो धीर ललिता आदि विलास के द्वारा रूपदान किया है, इसलिए उनका नाम रूप है। तथा राधा को जो मदनक को महाभाव आदि विलास के माध्यम से एवं संसार में रूपायित किया, प्रकाशित किया, इसलिए उनका नाम रूप सार्थक है। हे राधा विरह को जब अपने हंस दूत के माध्यम से रूपायित किया, उनका नाम है रूप। फिर सुखदेव का कलन लेखनी में, सुखदेव का प्रवचन में ये भाव नहीं है, जहाँ पर सुखदेव वचन समाप्त है, जहाँ पर नहीं उल्लेख किया है, वहाँ से रूप गोस्वामी पद प्रकट हुए हैं। तो बताते हैं और कृष्ण का विरह रस का वर्णन नहीं किया है, राधा का विरह रस का वर्णन नहीं किया है रूप श्री सुखदेव गोस्वामी, परंतु ये दोनों रस को दोन दूत काव्यों के माध्यम से प्रकाश रूपायित किया, इसलिए उनका नाम रूप है। एक उद्धव संदेश, दूसरा है हंसदूत काव्य। हंसदूत के माध्यम से राधा का विरह रस को मूर्तिमान किया है और उद्धव संदेश के माध्यम से उन्होंने कृष्ण का विरह रस को मूर्तिमान किया है, परंतु श्रृंगार रस को जो रूपायित किया है उज्जली नीलमणि के माध्यम से, यो संसार में सबके देखने वाला बना दिया है, वह है रूप। भगवान की कृपा से श्री रूप गोस्वामी अर्थात भगवान की कृपा ही रूप नाम से ये संसार में प्रकट होके चैतन्य के मनोभीष्ट को संसार में रूपायित किया, इसलिए सार्थक नाम है रूप गोस्वामी। बात वर्णन विधि किस प्रकार है? ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों के समुद्र स्वरूप है, विचार से अन्यतम है। भरत मुनि को सुखदेव गोस्वामी को परास्त करने वाला है। रसो सिद्धांत में भक्ति रसाकर, भक्ति सुधाकर के सिद्धांत भरत मुनि का सिद्धांत को जो इधर करके अपना अपूर्व सिद्धांत को रूपायित किया है, वो है रूप। वो सर्वत्र भाव से रूपायित करते हैं, विषय को संज्ञा करके दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने रस को रूपायित किया, इसलिए उनका नाम रूप। ध्यान से सुनना, रूप नाम ऐसे फलत नाम नहीं है। भगवान जो नाम दिया है वो नाम का संदर्भ भी है, विचार उसमें है, परंतु विचार करना चाहिए। रूपायित रूपायते जैनो छूप रूपते अनेन इति रूप रूपायितं भूवि जैनो भक्ति रस प्रेम रस और वैराग्य रस दोनों एक प्रकार रस है, क्योंकि वो दोनों प्रेम से प्रकट होता है। जितना ही दन्न प्रकट होते हैं उतना ही प्रेम सागर उद्वेलित तो होते हैं, जितना ही प्रेम रहते हैं उतना ही दन्न वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। दन्नो प्रेम को, प्रेम दन्न को पुष्ट करते हैं, इसलिए ये दन्न अलग नहीं है। भक्तत्व ज्ञानम वैराग्यम च भक्ति एव, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं भक्ति से जो ज्ञान और वैराग्य पैदा होता है वो भक्ति ही है। जैसे राधा से पैदा होती है जितना गोपियाँ, ये सब तत्व तो राधा ही है, परंतु भिन्न प्रकाश में भिन्न नामा है। राधा से सब प्रकट हुआ है, चंद्रवली अलग नहीं है,
चंद्रावली सब्बा पद्मा श्यामली और चटकट गोपी सब राधा से प्रकट हुई है और ये सब राधा मूर्ति है। ये सब लोग कृष्ण का आराधना करते हैं। राधा जी अनंत मूर्ति धारण करते हुए एक एक भाव के माध्यम से कृष्ण को प्रेम रस पिलाते हैं और राधा जी एक मूर्ति से अनंत भाव लेके उनको प्रेम रस पिलाते हैं। तो इनको प्रकाश करने वाला जो है श्री चैतन्य देव, चैतन्य का रूप, अचैतन्य का रूप ये सब प्रकाश करने वाला नहीं है। अचैतन्य कौन है? जिसमें कृष्ण तत्व, राधा तत्व, राग तत्व एक विचार नहीं है, वो जब अचैतन्य गुरु। संसार में जितना गुरु है तो अचैतन्य गुरु, क्योंकि जिसमें कृष्ण तत्व ज्ञान नहीं है, रस तत्व ज्ञान नहीं है। रस को भक्ति को रस नहीं बताती है, कृष्ण को रसमय नहीं बताती है, राधा को प्रेममयी नहीं बताती है, ये सब अचैतन्य गुरु है। परंतु चैतन्य देव के विचार से चैतन्य का रूप श्री मूर्तिमान होके संसार में हमें सबको रूपायित किया है, सबको हमें दिखाया, रूपायित करने का अर्थ किया है। जैसे भगवान कहते हैं वेद वाणी मलाधार चक्र से उठते 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 मुखारविंद से जब निकलते हैं तब उनको शब्द कहते हैं, रूप लेते हैं। ऐसे ही चैतन्य की कृपा जो भाव को प्रदान करने के लिए है, वृंदावनियों रस के लिए वार्ता, कालेन वृंदावन रस के लिए वार्ता लुप्ते तंग खेपयते विशेष तत्व कृपा कृपा मृते नीचे जो देव तत्व रूपंच सनातन च। तो विशेष रूप से खेपयितुम हम कह सकते हैं रूपायितुम, रूप और सनातन को अभिषिक्त किया है करुणामृत के द्वारा। जब तक चैतन्य की कृपा अमृत के द्वारा कोई अभिषिक्त तो नहीं होता है। भागवत में कहता है वैष्णव के चरण धूल से मस्तक जब तक अभिषिक्त तो नहीं होता है तब तक अनर्थ निवर्तन करी भगवान के चरणारविंद में भक्ति जो पैदा नहीं होता है। तद्रूप यह पर्वदा जाए चैतन्य महाप्रभु के कृपामृत द्वारा जिनका मस्तक शरीर अभिषिक्त तो नहीं हुआ है वो कभी ये रस को प्रकाश नहीं कर सकते हैं। परंतु भगवान इसलिए एकमात्र हजारों भक्त है, चैतन्य महाप्रभु के परिवार में तो हजारों भक्त है, पंडित लोग भी है, परंतु रूप गोस्वामी के माध्यम से बताते हैं, उनकी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं। ऐसे कवित्व बिना न है रसिर प्रचार। सब रामानंद राय को कहते हैं सुनो राय, ऐसे रूप के अलंकार जितना ग्रंथ रचना सब सलंकार है, ऐसे कवित्व बिना नहीं रसिर प्रचार। काटब रस से भिन्न नहीं है, काटबम काटब शब्द का अर्थ क्या है? कबेर वाक्यम इति काटबम नहीं, कबे दशमय वाक्यम इति काटबम, जहाँ पर रस नहीं है वो काटब नहीं है। तो आम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक श्लोक बता के आपको छोड़ देते हैं। काटबन्न तत्र नो च नास्ति भक्ति, भक्ति न चत्र न चस्ति प्रीति, प्रीति न चत्र च नास्ति राधिका, राधा न च रूप निषेविता न जा। वह काटब नहीं है जिसमें भक्ति रस नहीं है, जिसमें भक्ति रस नहीं है। बजोरीति चिंतामणि के टीका में एक महात्मा जी कहते हैं काटब रूप हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहते हैं जहाँ पर भक्ति नहीं है वो काव्य नहीं है। भागवत नहीं कहते हैं न तद बचो चित्र पदंग,
इत्यादि श्लोक में बता दिया है। और इसके कारण बताए जिसमें भक्ति न्याय वो कब कब नहीं है, और भक्ति जो आप भक्ति नहीं आई और जो भक्ति में प्रीति नहीं है वो प्रीति वो भक्ति भक्ति नहीं है, और जो प्रीति में राधिका नहीं है वो प्रीति श्रेष्ठ नहीं है। परंतु हम जोर से बता सकते हैं जो राधा रूप के द्वारा सेवित नहीं है वो हमारा सेवा नहीं है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा पुजारी प्रभु आरती आरंभ करें, पुजारी प्रभु आरती आरंभ करें। गुरुवर्ग की अहैतुकी कृपा से आज की यह सभा सुंदर एवं सुचारू रूप से सुसंपन्न हुआ। कल भी ऐसे शाम को 5 बजे से सभा शुरू होगी, जिनमें कल सभापति श्री अच्युतलाल भट्ट जी और संचालक रहेंगे हमारे मथुरा के गुरुदेव के प्रिय बसंत लाल चतुर्वेदी। आप सब से अनुरोध है जो लोग आज भी आए हैं कल भी आए और अपने इष्ट मित्र बहुत सबको बुला के ले आए। हरे कृष्णारती अच्छा कल्पतर भस्त कृपा सिंधु भय वच पतितानं पावने भो महाराज अलग तक किया से जनो अलग तक किया से जनो। हरे कृष्ण उतार उतार के उतार केड़ा से ए एटा एटा की नाम दिए छन केनो এখানে যে নাম দিয়েছেন আবার কি 21 তারিখে হলো Thank you.
Come on.
संभासुदन बिहारी की जय शुभ संधान की जय जय गुरु नित्य विलासम पुष्पाल सुंदर सदस्य श्री भक्ति राजा बाबा शंकर